काश मेरा रोमांटिक एंगल रहता सुष्मिता सेन के साथ आर्या में कई सारी तस्वीरें भी आपकी देखी हक करते हुए वो बहुत अच्छे हक्स देती हैं हाँ। तीन सीजन क्यों पकड़ने में उसी हक्स की वजह से अभी भी हाथ कहाँ लग पाई ढंग से हाँ। मैं हूना का गाना था हाँ। गोरी, 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 हाँ, गोरी 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 ये खान साहब लेट मी टीच यू अच्छा वो खान साहब वो खान साहब बुलाती है साथ वो उन्होंने ट्वेल्व करके मुझे यहाँ ठीक है मुझे एक सेकंड के लिए लगा यार यूनिवर्स उस समय ना आपका पूरा तो मैंने कहा अरे कोई रिकॉर्ड कर रहा है <laughs> यार हर आदमी में शक्ति कपूर होता है कौन <laughs> जा तो भाई हाँ ये पूछते हैं लोग एक बिहारी इज पर भारी बिहार से तो नहीं लगते हैं आप कि आपको हर बार पुलिस वाले क्यों बनाते हैं ये मैं भी पूछना चाहता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर से एक सोसाइटी के स्वीपर थे खैर क्या हुआ तो उन्होंने बोला कि सर आप चलेंगे मेरे बेटे को पकड़ के ले गई पुलिस तो मैंने बोला लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ तुमने तो बोला आप सी में है ना तो <laughs> 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 कभी सोचा आपने गैंग्स ऑफ वासीपुर या मिर्जापुर जैसे उसमें गैंग्स ऑफ वासीपुर में मुझे मिल रहा था काम कौन से किरदार अनुराग कश्यप ने मुझे बोला अरे मुझे तुम जैसे एक्टर चाहिए ऐसे ही काले सिंपल यू नो फाइव यूनिट सी आई तो मेरी इच्छा एक्चुअली थी कि मैं जो टिपिकल टेलीविजन फैमिली सोप्स होती हैं होते हैं उसका हिस्सा बनूं अब कोई मुझे नहीं लेता होगा मेरी शक्ल के कारण या जो भी उन्हें लगता होगा नहीं लेते थे बहुत बड़े फेमस एंकर हैं कुमार जी क्या रिश्ता है आपका रवीश कुमार और उस जमाने के NDTV? अब तो बदल गया आज पूरे सिस्टम में एनडी टीवी खामियाज निकालने पहले भी थी अच्छा थोड़ी ज्यादा है आपके बिहार में तो पता ही नहीं लगता सिस्टम अपोजिशन कौन है <laughs> बिहार में थोड़ा सा कास्ट पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ज्यादा है आपको क्या लगता है वो कौन जो बिहार को बदल सकता है

<laughs> जो बिहार से आता है दिल्ली, से दिल्ली में सरदार शादी करता है। कैसे पॉसिबल हो गया ये? इंसान मुझे लगता है आपकी आँखे अभी काफी हद तक भर आई इसलिए मैं मैं पूछ रहा हूं। मैं कोई आउटसाइडर नहीं है, जो एक हवा बना के कैफ तो मैंने कहा कि कटरीना कटरीनाइक दिस तो कटरीना ने कहा कि जस्ट टेल मी वाई मिस्टेक्स इन साउंड फिर कि कभी आओ बैठो हमारे करीब तो तुम्हें बताएं कि दिल का हाल क्या है आ गए सर अब यूं तुम दूर-दूर से पूछोगे फिर तो हम खैरियत ही कहेंगे अरे क्या बात <laughs> <वा>? तो... है <laughs> मैं आपका फैन हो चुका हूं। किसी कमाल के इंसान ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता असल में हौसलों से उड़ाना अब हौसला ही तो है कि एक लड़का जिसे टीवी की दुनिया में इसलिए मना कर दिया गया कि तुम्हारा के साथ जब वो स्क्रीन पर आता है तो बराबरी की टक्कर देता है और दुनिया उसकी अदायगी की मुरीद हो जाती है ये कहानी है बिहार के विकास कुमार जी की विकास जी बहुत बहुत स्वागत आपका वक्त देने के लिए हमें और जिस तरह से हमने कहा कि बिहार गया से निकलकर बॉलीवुड की दुनिया में जाकर छा जाना पंखों ज्यादा हौसलों की लड़ाई थी हाँ लड़ाई तो हौसलों की ही है हौसलों की ही, ही हुई है फिलहाल में हौसले बुलंद तो एक तरफ आपकी आवाज़ बड़ी बुलंद है मैं खो जाता हूँ उसमें या आप डायलॉग कोच हैं सर नहीं सर लेकिन अगर आ, आप ये कह रहे हैं तो मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ले रहा हूँ पूरा लीजिए मतलब एज डायलॉग कोच एज एक्टर जैसे भी लेकिन हाँ हौसले मजबूत रखने पड़े हैं वैसे तो सांवला रंग या जैसे आपने कहा वो सब एक तरफ लेकिन कोई भी जो इस प्रोफेशन में जाए इतनी अनसर्टेंटी है एक लेवल पे इतना लक डिपेंडेंट है इतनी भीड़ है मतलब इस तरह भी देखा जा सकता है तो उस हिसाब से हौसले तो चाहिए और टिकना पड़ता है समय लग सकता है पेशेंस बहुत चाहिए तो उसके लिए हौसला चाहिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है कि आ, आप टिके रहें अगर मुंबई गए हैं या जहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं सही बात है रात आप ये रात तो गुजरनी है सवेरा तो आएगा ही लेकिन सवेरा कब आएगा ये पता नहीं होता लेकिन आपको देखकर मुझे वो अक्सर जो बिहारी लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि एक भारी ये बात सच बिहार से जितने भी एक्टर निकले हो सकता है बहुत सारे निकले शायद सभी को हम जानते ना हो दो तीन लोग मेरे आदर्श भी मैंने काम भी किया पंकज त्रिपाठी के साथ मनोज हैं मनोज वन ऑफ द रीजंस हैं कि मैंने ये प्रोफेशन चुना आ, उनके लिए मैं इस्तेमाल कर लूंगा एक बिहारी सब पे भारी मैं अभी मेरी लड़ाई अभी जारी है या मेरा सफ़र अभी शुरू ही हुआ है एक तरह से पर थैंक यू थैंक यू सो मच नहीं नहीं मैं ये जानना भी चाहता हूँ कि आ, ये जो संघर्षों वाली बात हम करें आपके एक्टिंग की बात करेंगे और आपके डायलॉग कोच की बात करेंगे आप प्रोड्यूसर भी हैं उसकी भी हम बात करेंगे आपने किन किन को सिखाया हम वो भी समझेंगे लेकिन पहली चीज़ जो मैं समझना चाहता हूँ ये यूपी बिहार की माटी में क्या ताकत है क्योंकि यहाँ से लड़के जब जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता उनके पास खाली हाथ जाते हैं संघर्षों में रहते हैं पैसे नहीं होते हैं आर्थिक परेशानियों का सामना करना मानसिक तौर पर बड़े मजबूत होते हैं लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है जी तो वो अपनी छाप ऐसे छोड़ते हैं कि फिर उसकी चमक के आगे सब फीके नजर आने लगते हैं आई uh, थिंक uh, उसका एक उसकी एक वजह यह है कि नथिंग टू फॉल बैक ऑन ठीक है तो आप गए ही हैं आपको करना ही है वाला हिसाब किताब है, है। uh, मेरे पिता से ही मैंने सीखा है ये पिता बहुत गरीब थे किसान परिवार में पैदा हुए थे बिहार में गया में नहीं गया में मैं पैदा हुआ अच्छा। था वो बिहार शरीफ एक जगह है हाँ तो वहां हाँ से हूँ हाँ। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में वहीं बगल में एक गाँव है तूफानगंज नाम है बड़ा <laughs> इंटरेस्टिंग नाम है वहाँ पैदा हुए थे जी तो वहाँ बड़ा सा परिवार था सबसे छोटे सदस्य थे उसके किसान परिवार था और वो उनकी टिपिकल वैसी वाली बड़ी रोमांटिक या रोमांटिसाइज करने वाली कहानी है कि जब दसवीं में पहुंचे तब चप्पल मिला पहनने को वैसा वाला तो उन्होंने मुझे ये सामाजिक प्रथाओं के चलते या नहीं 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 गरीबी, आर्थिक, गरीबी। आर्थिक, 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 आर्थिक। के चलते तो वो आ, उन्होंने कहा कि मुझे बताया था कि बहुत ही छोटा था मैं जब मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि ऑफ कोर्स उन्होंने देख लिया था कि यार मुझे गरीबी पसंद नहीं है ठीक है और उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि बेटा इससे निकलना है तो सबसे सही तरीक़ा और सबसे आसान तरीक़ा है पढ़ो तो उन्होंने खूब मन लगा के पढ़ा बचपन से ही स्कॉलरशिप उन्हें मिलती रही और फिर आगे जाके डॉक्टर बने तो आई थिंक वो जज्बा जो है ना कि यू नो अगेंस्ट द टाइड या एक अगर आपका एक फोकस आ गया कि ये करना है तो करना है यही रास्ता एक है शेर याद आ गया हमको इस पर बड़ा अच्छा शेर था कि जहाज़ों को जो डुबा दे उसे तूफ़ान कहते हैं तूफ़ानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं वो कौन सापदा है जो हो नहीं सकता तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता एक छोटा सा चीटा जाके पहाड़ों पे घर करे इंसान के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना करे वाह आई थिंक आप ये बीच बीच में कहते रहिएगा का ये वीडियो और वायरल होगा <laughs> तो हाँ वहाँ से एक ख़ुद मेरे पिता की स्टोरी जो है जिसे एक सेल्फ मेड मैन कहते हैं बहुत इंस्पायरिंग है तो जब आई थिंक हम लोग पहुँचते हैं ना तो हमारे पास वही नथिंग टू फॉल बैक ऑन है एंड नथिंग टू रिस्क भी है एक तरह से तो लग जाते हैं नहीं तो पिताजी तो, तो, तो चलिए किसान थे फिर पढ़ाई को फोकस किया बट जिस समाज से या जिस इलाके से हम और आप आते हैं यूपी बिहार स्पेशली <coughs> यहां पर एक्टिंग कभी भी माता पिता का फर्स्ट चॉइस प्रोफेशन बच्चों को लेकर नहीं होता बिल्कुल नहीं उनकी नजर में जितना मैंने सुना हो सकता है मैं गलत बट ये होता है है कि यार नाचने गाने से अच्छा है, कुछ पढ़ लिख लो जी एक तमीज की नौकरी लग जाएगी शादी ब्याह हो जाएगा और समाज में थोड़ी मान प्रतिष्ठा हमारी बढ़ जाएगी सरकारी नौकरी का क्रेज या पढ़ाई का तो उसमें आपको ये एक्टिंग वाली कहानी कहाँ से आई और फिर कैसा संघर्ष आपका रहा तो मेरे पिता का भी सुझाव यही था हालांकि वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे बहुत ओपन माइंडेड थे आर्मी में भी सर्व कर चुके थे कैप्टन थे आर्मी में और डॉक्टर भी थे तो उन्होंने ऑफ़ uh, उन्होंने ये देखा था कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में कितने नंबर आए थे, ट्वेल्थ में? ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के ट्वेल्थ में 84 थे लेकिन uh, जनरली मैं पढ़ने में और उस समय ऐसा था कि हिंदू में एडमिशन भी मिल गया था लेकिन लिया नहीं क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी हाँ ठीक ठाक है आ, आप फिर आपको वो सामना कम करना पड़ता होगा कि बिहार से ही हम लगते तो नहीं है जी जी नहीं ये तो बहुत सामना करना पड़ता है क्योंकि आ, जब मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ क्योंकि मैं वेलम में पढ़ा हूँ देहरादून में सबसे अच्छे स्कूल में से एक है मेरी खुशकस्मती अगेन मेरे फादर बहुत कॉन्शियस थे इस बात को लेकर कि अच्छी एजुकेशन देनी है बच्चों को तो मुझे वेलम में डाल दिया पाँच साल की उम्र से मैं बाहर पढ़ रहा हूँ तो वेलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंग्लिश एंड ऑल्सो जनरल एजुकेशन तो हाँ मतलब आ, क्या सवाल पूछा था आपने वापस पूछिए बिहार से तो नहीं लगते आप अब ये, इसे मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँ मैं वैसे ही लूँगा मतलब कई लोग मिले हैं जो हाँ। यही कहते हैं कि आ, जब थोड़ा बोलते हुए सुन लेते हैं तो बोलते हैं बिहार से तो नहीं लगते फिर मैं गेस्ट करवाता हूँ कि कहाँ से लगते हैं तो बंगाल बोलेंगे केरल बोलेंगे कॉम्प्लेक्शन के कारण कुछ और इधर उधर के स्टेट्स आएंगे और जब जानते हैं कि बिहार का है तो अरे नहीं यू लाइंग इट कान बी

वुमेन चीफ मिनिस्टर थी हमारी उनका नाम लीजिए तो वो का क्योंकि कंफ्यूजन है राबरी, 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 कुछ रा, उनको, राबरी देवी उनको समझ में नहीं आता क्या बोलने तो अच्छा ये को जानना भी आपसे कि आ, जब आपकी जबान साफ होती है भाषा शुद्ध होती है जबान जैसे मैं आपको भी सुन रहा था आपके नुक्ते सटीक बैठ रहे थे मुझे बड़ी खूबसूरत अच्छी लगा वो कानों में बड़ा एक अच्छा साउंड करता है जब किसी के नुक्ते सटीक बैठते हैं आपकी अंग्रेजी भी एक लहजे में आ रही थी हिंदी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बोलती हैं तो फिर ये कितना पर्सनालिटी को इंप्रूव कर देता है या बाकी लोग भी जो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं उनको भी आ, अच्छी भाषा पर पकड़ होना कितना ज़रूरी है ज़रूरी है बिल्कुल ज़रूरी है एक तो आप किसी भी काम में रहें या पर्सनल इक्वेजन्स जहाँ भी एक फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है लास्टिंग इंप्रेशन पड़ता है ऑफकोर्स हम जैसे प्रोफेशनल्स आप आपके लिए मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही आ, और ये कहीं ना कहीं ना एक वो दिखाता है कि आप कितने रूटेड हैं अगर इसमें मैं मातृभाषा पे भी जोर दूंगा, अगर उस पर भी अच्छी पकड़ है तो जैसे अभी अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत सारे हमें स्टूडेंट्स मिलते हैं जो इंग्लिश फ्रेंडली ज़्यादा हैं हाँ वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं लेकिन बचपन से अंग्रेजी बोली है ये जर्नलिज्म में भी है हाँ और और चलिए और उनकी हिंदी में इंग्लिश की बड़ी एक क्या बोलें फिनेस बोलें वैसा नज़र आता है तो वो फिर वो रूटेडनेस नहीं है इसलिए तो अगर आप रूटेड हैं तो आपकी भाषा में दिखेगा आ, और हर हर चीज़ में मदद मिलेगी एक अच्छा एक्टर होने के लिए भाषा पर पकड़ जरूरी है क्योंकि जब मैं पंकज त्रिपाठी जी को मैं, मैं एकदम तो नहीं कहता हाँ ऑफकोर्स परफॉर्मेंस और और कैरेक्टर और वो सब ज़्यादा ज़रूरी है भाषा डिपेंड करता है अगर आप कोई ऐसी सब्जेक्ट ऐसा किरदार आप चुन लें जो कर रहे हैं अब अगर मनटो कर रहे हैं और आपके नुकते नहीं लग रहे हैं और नवाज भाई के लग रहे थे तो फिर सही बात है या फिर अगर आप एक आ, आ, मतलब कोई भी ऐसा किरदार जिसका एक यू नो you know, एक जो भी होना चाहिए भाषा के मामले में वो नहीं है तब प्रॉब्लम है आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या जनरल कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं उसमें अगर थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ठीक है चलेगा पंकज भाई सर क्या बोलूँ मेरे सीनियर भी रह चुके हैं दोस्त भी हैं पंकज भी बोल सकता हूँ मैं वो बुरा एकदम नहीं मानेंगे पंकज का जैसे जो रूटेडनेस है जो उनकी मातृभाषा है उसकी झलक हर चीज में आती है उनके संवाद में, में आती है और उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है अनलैस ही कैरेक्टर विच इज टोटली यू नो नॉन बिहारी एंड एंड इट्स स्टिल क्रीपिंग इन देन मे बी एंड आई एम श्योर ही इज अवेयर कि उतनी फिर मेहनत करने की जरूरत है ओके okay. ये चीजें अच्छा आ, एक सवाल आपके तमाम प्रशंसकों के मन में था कि आपको हर बार पुलिस वाले क्यों बनाते हैं ये मैं भी पूछना चाहता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर से ये आपकी शक्ल में कुछ है और इसी के साथ किसी ने पूछ ये भी पूछा था मुझसे कि आपसे पूछ लीजिएगा कि विकास कुमार जी अपने मोहल्ले के तो सारे केस सॉल्व कर देते होंगे अगल ये ये बगल वाले दो किस्से सुनाता हूँ आपको एक बार मैं बॉम्बे में जब पिछले मकान में रहता था तो वहाँ पर एक सोसाइटी के स्वीपर थे तो वो डेली आते ही थे कचरा कलेक्ट करने के लिए एक दिन उन्होंने अर्ली मॉर्निंग घंटी बजा दी तो हम उठे उन्होंने बोल यार क्या हुआ तो उन्होंने बोला कि सर आप चलेंगे

हाँ मतलब और वो नहीं मानने को तैयार मैंने बोला कि अरे सर मैं बस किरदार निभा रहा हूँ और वो तो एक नाटक है नहीं 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 वो आपकी बात सुनेंगे मैंने <laughs> बोला नहीं मैं नहीं जा सकता पुलिस स्टेशन और एक हुआ था जहाँ आप वो कॉप में बार बार कास्ट होने की बात कर रहे थे तो मैं पिछले साल अ, मेरे एक मित्र हैं बहुत घनिष्ठ दानिश और उनके एक मित्र हैं इंडियन हैं अमेरिका में रहते हैं कुछ इलाज के सिलसिले में इंडिया आए हुए थे बॉम्बे तो मैं मिलने गया ताज होटल ताज वो बस ये जानते थे

वो हॉस्पिटल में शुरू हो गए तो मेरे को लगा कि लोगों लगता है जो चश्मा के जैसे मैं गया था वो डॉक्टर लग रहा Sir, था फिल्मों में आपको कास्ट भी करते हैं गुड लुकिंग डॉक्टर की सीखने की जरूरत नहीं है एक्टिंग करवा लेंगे सर सब आई एम श्योर आप काफी लोग कर वैसे भी रहे और बोलते भी हैं कि हम करवा लेंगे तो डायरेक्टर्स भी बोलते हैं तो मैंने इसी एक्टिंग करवा लेंगे मुझे आपका याद आया Uh, मैंने सुना कहीं आप uh, कॉप के रोल के लिए गए थे और आपसे कहा गया कि हमें सरफरोश का आमिर खान चाहिए फिर कहा गया अब तक छप्पन का नाना पाटेकर और दबंग का सलमान चाहिए और वो सब कुछ ही घंटों में हो गए डेढ़ घंटे के अंदर तो मैंने आ, वही क्या किस्सा था मैंने, मैंने आ, मेरी शुरुआत हुई थी टेलीविजन में पाउडर से फिर खोटे सिक्के दोनों यशराज के शोज थे दोनों में सीनियर इंस्पेक्टर एक में जगदाले एक में दामोदर देशमुख बोहनी पुलिस वाले से बोनी <laughs> बोनी है उसे हुआ तो फिर क्या करें हाँ तो थोड़ा मैंने गैप लिया अब उसके बाद टेलीविजन में बहुत सारे फ़ोन आने लगे कॉप के लेकिन ये जगदाले और देशमुख बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इनका ग्राफ था बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे अब मेरा मन नहीं था कि अभी कॉप से उठाऊँ फिर मैं रेगुलर कॉप तो ऐसे ही एक आया कि नया प्रोडक्शन हाउस है कॉप चाहिए सर आपका देखा है काम ये वो तो जब फ़ोन आया किसी कास्टिंग पर्सन से आया तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए अभी तो मैंने बोला ठीक है कुछ कैरेक्टर ब्रीफ तो उन्होंने बोला कि आप ये समझ लीजिए दबंग का सलमान खान तो मुझे लगा ओके कुछ वैसा वाला एटीट्यूड चाहिए स्वाग वादा, स्वाग वादा। तो, भी, हाँ। मैं सीधा साधा आदमी मेरे पास कोई गॉगल्स वगैरह थे नहीं और जब भी मैं लगाता था कभी तो मेरी बीवी टोक देती थी कि ये काला आदमी ऊपर से काले चश्मे उसे उन्हें कुछ तो अखरता था तो खैर मैं गया और मुझे लगा कि ऑडिशन के पर्पज़ से ही ख़रीदना है तो सस्ते वाले ख़रीदता हूँ तो अंधेरी स्टेशन गया मैं अंधेरी वेस्ट में ही रहता सौ रुपये के मिले होंगे हाँ बिल्कुल और <laughs> वो ख़रीदा वो सुनहरा फ्रेम और काला चश्मा जो टिपिकल <laughs> कॉप वाले होते हैं <laughs> आ, एविटर टाइप एविएटर एविएटर तो वो पहन के मैं गया तो जैसे ही ऑफिस में घुसा तो वहाँ एक महिला क्रिएटिव क्रिएटिव कहते हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में क्रिएटिव हेड कह लीजिए जो भी लेकिन सिर्फ बुलाते क्रिएटिव ये क्रिएटिव हैं तो उन्होंने कहा कि अरे अरे वेरी गुड वेरी गुड लव वर्क इन होटे सिक्के बट यू बिन टोल्ड ना कि क्या चाहिए आई uh, या तो पहले कि, लगा हुआ उस टाइम चश्मा मैं रेगुलर वैसे तो लगाते ही था की तरह पीछे लगा नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं किया था अभी तक तो उन्होंने कहा वी आर लुकिंग एट नाना पाटेकर फ्रॉम अब तक छप्पन तो मुझे लगा वो तेरी ये क्या है ठीक है तो एक ऑडिशन पीस मिला जो कि बहुत मुश्किल नहीं था तब तक मुझे थोड़ा सा थोड़ी सी आदत हो गई थी ऑडिशन को जल्दी निपटाने की तो मैं दस मिनट में तैयार हो गया रूम में गया तो वहाँ पर दो असिस्टेंट्स ऑडिशन ले रहे थे तो जैसे ही मैं शुरू होने वाला था उन्होंने एक मिनट एक मिनट आपको पता है ना क्या कराना करना है तो मैंने बोला हाँ पता है बताइए क्या सरफरोश का आमिर खान तो ये डेढ़ घंटे के अंदर ये हुआ था तो बेसिकली कॉप रोल था अब मैंने ताज़ा ताज़ा जो भी कुछ महीने पहले दामोदर देशमुख किया था अपना किरदार जो मुझे समझ में आया कि मैंने कर दिया अगले दिन कॉल भी आ गया कि बहुत अच्छा लगा फिर मैंने मना भी कर दिया बट देन डेट सी आई डी आई डेट सी आई डी आई वॉज नॉट द मोस्ट एक्साइटेड वेन आई गॉट द कॉल सी आई डी को लेकर हाँ बिकॉज आई वॉज अ सी आई डी व्यूअर मैं टेलीविजन बहुत कम देखता था मतलब इसमें आई एम नॉट जजिंग एनी वन हु वॉच इज़ टेलीविजन मेरी वाइफ देखती थी और लोग देखते थे तो वो बड़े खुश थे कि अरे सी आई डी से फ़ोन आया है अगले अरे यार मतलब क्या तो और एक फिर वही था कि एक तो कॉप दया दरवाज़ा तोड़ ठीक है वो एक एक, एक है लैंग्वेज है सी आई डी का और बहुत पॉपुलर है उस पर भी आता हूँ तो आ, लेकिन हाँ फिर क्योंकि पाउडर और खोटे सिक्के भी सोनी पे आए थे शोज़ तो मैं वहाँ एक दो एग्जैकटिव को जानता था उदय उदयन प्रदीप शुक्ला है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यू वॉन्ट इट ट्रस्ट मी कर लो ये बड़ा बोम्बासटिक सा शो है एंड जब मैं घुसा तो उनका मैसेज भी आया कि यू यू नो एडेड डिफरेंट एनर्जी टू द शो ऐसा कुछ करके तो हाँ वो जैसा आपने कहा दरवाज़ा तोड़ो तो मेरी मीटिंग मिस्टर बीपी सिंह जो करता धरता हैं जिन्होंने बनाया है सीआईडी को आ, उन्होंने आ, मीटिंग में मुझे बोला भी था कि तुम अपना एक कैरेक्टर सोचो तो उन्होंने कहा था कि दया का है दरवाज़ा तोड़ना ठीक है ए सर का है कुछ तो गड़बड़ है ऐसे करके हाँ। कुछ तो गड़बड़ है और अभिजीत शार्प शूटर हैं तो तुम क्या करोगे तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा जिस रियल स्पेस से मैं जा रहा था मुझे लगा ये कैरेक्टर्स क्या है मतलब <laughs> कोई फिर मुझे लगा नहीं ही ऑब्वियसली नोज व्हाट ही इज मेकिंग वाला है। तो मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं तो उन्होंने ही बोला कि ठीक है करते करते तुम्हें कुछ आ जाएगा और वही बन गया मेरा सोचने वाला ठीक है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू हैंड इट टू मिस्टर बी पी सिंह हमारी बात भी हुई थी इस पर साटम साहब वगैरह सब बोलते थे कि पहले जो सी आई डी था बहुत रियलिस्टिक शो था लेकिन कितना करते थक जाते वही करते करते क्राइम तो हमने जस्ट टू मेक इट मोर एक्सेसिबल टू अ लेमैन ऑडियंस स्पेशली टू चिल्ड्रन, दे जस्ट काइंड ऑफ मेड इट वेरी द वे इट वॉज मोर फन दैन क्राइम ठीक है दैट्स वाई और जो चीज़ें चल गई फिर वो रहती थी और क्या चली? दरवाज़ा तोड़ना या थप्पड़ मारना या कुछ तो गड़बड़ है जो भी और तो फिर ऐसे ही था एक हमारे जो मेन कैमरामैन है राजेश दिवाकर सी में तो ये लोग कई बच्चे घरों में नाम बहुत है। सब, और... सब जुड़ी हुई है। बिल्कुल और, और, और लोग बन जाते हैं किरदार अलग अलग तो उन्होंने बताया था कि मेरा बच्चा ही प्लेज यू सीनियर इंस्पेक्टर रजत तो उन्होंने बताया कि कोई दोस्त है वो आगे दरवाजा तोड़ता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है मैंने मैं उत्सुक था कि भाई जो रजत बनता है वो क्या करता है

हाँ, मतलब अब अभी भी हाथ कहां लग पाई ढंग से हाँ। वो सरेंडर, वरेंडर तो कर दिया उन्होंने फिर गोली भी लग गई है।, है गोली तो लग चुकी है हाँ। गिर हाँ। भी गई है, हाँ। है, कर है।, है। भरोसा करता हूँ हाँ, आर्या हाँ हर बार तो भरोसा करते हैं आरिया खूबसूरत है इसलिए मिस यूनिवर्स नहीं देखिए वो सब तो हमारी यादें हैं मतलब हम लोग स्कूल में थे एंड अगेन लाइक Uh, हमारी जो पहली मुलाकात हुई थी सुष्मिता और मेरी हुँ. पहले सीजन से पहले कुछ वर्कशॉप्स रखे गए थे और क्योंकि सुष्मिता और मेरे बहुत सारे सीन्स थे एक साथ में तो हुँ. एक पूरा दिन हमें असाइन किया गया था तो आई वॉज ऑबली अब ये है कि बहुत लोगों के साथ काम कर लिया है तो मैं आई वॉन्ट से आई गेट इन या आई वॉज ऑब्सलीपेशन वो वाला जो होता है ना कि जब तो वो

लेकिन एक बार डांस कर रहे थे साथ में पार्टी में उस समय हो गया हाँ। क्योंकि वो वो हम कर रहे थे उनका वो कुछ अ, का गाना था हाँ। आ, तुम्हें जो मैंने देखा ये था नहीं दूसरा एक था और कौन से कोई दिखन? तो गोरी गोरी गोरी, हाँ, गोरी 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 ये वाला था हाँ। तो कुछ कर रहे थे डांस तो शी शी एंड खान उनकी उर्दू थोड़ी अच्छी है तो वो सिखाने लगी तो वो उन्होंने ट्वेल्व करके मुझे यहाँ ठीक है तो मैं ऐसे तो वो पहली बार था हालांकि सीन परफॉर्म करते समय हम बहुत पास गए हैं हाँ। और चिल्लाए हैं एक दूसरे पे लेकिन यहां ऐसे पास आया तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा यार मिस यूनिवर्स उस समय ना आपका पूरा तो मैंने कहा अरे कोई रिकॉर्ड कर रहा है लुक एट मी

तो विनोद रावत जो वन ऑफ द डायरेक्टर्स भी थे सीजन वन के और <coughs> हमारे एक्टिंग वर्कशॉप्स ले रहे थे वो तो उनका मेथड एक होता है कि जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं और फिर अचानक से वो चुटकी बजाएंगे एंड यू स्टार्ट परफॉर्मिंग द सीन डायलॉग्स बोलने लगो तो हम लोग बात कर रहे थे तो एक्चुअली बात में मैं ऑफ कोर्स पुरानी बातें कि स्कूल में कैसे आप जीती थी मिस यूनिवर्स कैसे हम आपकी और ऐश्वर्या राय की राइवलरी एंड नैश्वर्या राय डेफिनेटली द मोस्ट ब्यूटिफुल वूमन इन द वर्ल्ड पर हम में से कुछ लोग थे जो सुष्मिता सेन को ज़्यादा पसंद करते थे उनमें से एक मैं था मैं और मेरा बचपन का एक दोस्त है शारफ़ ख़ान एक बार हम लोग लाइब्रेरी में भी थे स्कूल के तो दोनों की फ़ोटोज़ आई थी किसी मैगज़ीन में और हम घूम रहे थे सबसे पूछ रहे थे वोटिंग करा रहे थे कि कौन ज़्यादा हॉट है या कौन ज़्यादा खूबसूरत है हर तो आदमी में हर में शक्ति शक्ति कपूर होता है नहीं, 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 नहीं शक्ति जी को मैं बस एक कलाकार के रूप में कलाकार तो की फिल्म हम लोग थे जो जो बोल रहे थे सुष्मिता सेन सुष्मिता सेन कुछ उनका वेट सा लुक था तो ये सारी बातें इनकी बातों का असर था कि आप घूम कर फिर यहाँ तक आ गए शायद पता नहीं आपने पिचिंग अच्छी की नहीं 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 ये मैंने बहुत पहले पिचिंग की थी सीजन वन के शुरू शुरुआत में में ये सीजन टू में मुझे मौका so मिला बड़े कह ना सब्र का फल मीठा बीच में लॉकडाउन आ गया सर तो हाँ वही ये सब मैंने कहा बट शी वॉज वेरी स्पॉटिंग अबाउट इट शीज कि नहीं ऐसा था यू नो या हम बातें करते करते वो चुपकी बजाता था डायरेक्टर विनोद

Uh, और उसमें भी फिसलता रहता हूँ मैं मैं सीखता रहता हूँ मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ उस पर भी आऊंगा एक ऑडियो ऐप पे काम कर रहा हूँ मुझसे ही बोला नहीं जा रहा है मैं मैं दुनिया को क्या सिखाता हूँ एनी वे तो हाँ वो सब करता हूँ लेकिन जब भी कोई बात कहनी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफिशियली अप्रोच करूँ थ्रू मैनेजर या uh, अगर पर्सनल बात है तो मैं ऑफकोर्स मैसेज छोड़ता हूँ और सीधे फोन नहीं कर दूंगा चाहे वो जॉन हो चाहे जो भी लेकिन रिस्पॉन्स आता है सीजन आएगा आर्या मुझे कुछ नहीं पता सर देखिए ये डिपेंड करता है सारा प्यार पे ये सारी चीज़ें गवर्न होती हैं व्यूअरशिप से तो अगर हॉट स्टार जैसे सीज़न वन के पास बाद भी ऑफकोर्स उम्मीद तो थी कि सीज़न टू आएगा लेकिन वो सब व्यूअरशिप पे है क्योंकि ब्लॉकबस्टर हिट हो गया तो सीज़न टू बना सीजन टू का भी रिस्पांस बहुत अच्छा आया सीज़न थ्री आया अब सीज़न थ्री तो अभी आया ही है देखते हैं अच्छा मेरी इच्छा है एज एन एक्टर की दस सीज़न बने ऐसे ही मैं मिस यूनिवर्स के साथ हंसते गाते नाचते एक्टिंग कर कर लूं और कुछ बात आगे भी कमा भी। और बात कुछ आगे अच्छा काम भी भी अच्छा लें नहीं नहीं सर भाभी जी देख रहे हैं पर उन्हें बहुत मन था ये, ये बताया कुछ भाभी जी, जी से कि मैं ऐसे घूम रहा था और फिर मैं यहाँ तक आया वो इंसान जो घर में बड़ा खड़ूस सा रहता है तेज बोलने वाले पुरुष कॉप्स को डिजिट कर देता है वो बहुत सडनली उसके अंदर से एक शाहरुख एक नया इंसान आ रहा है कुछ तो हुआ है जी सब जी, कुछ अलग है सब कुछ नया है <laughs> दो चार दिन से लगता है ऐसे नहीं नहीं टू गिव हर क्रेडिट रावी मेरी वाइफ का नाम है वो बहुत खुश हुई इनफैक्ट वो जो वीडियो है एक uh, <coughs> कॉस्ट्यूम की एक असिस्टेंट थी उनके उन्होंने रिकॉर्ड किया था वो उसको भी मेरी वाइफ ने पहले देखा मैंने मैंने बोल तो दिया अरे कोई रिकॉर्ड कर रहा है फिर मैं देखना भूल गया मैं शायद उसी में खो गया था जो वहाँ पे हुआ लेकिन हाँ मेरी वाइफ तो बहुत खुश होंगी अगर ऑन पर्दा कोई ऐसा ट्रैक चले वो थोड़ी सी मायूस थी कि Uh, मतलब जैसा मेरा और आर्या का ट्रैक है हुँ. शो में ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद ही हैज फीलिंग्स फॉर आर्या तो हुँ. मुझे होमोसेक्सुअल दिखाया गया है हुँ. शो में तो उनका था यार मतलब एक फीमेल फैन बेस दिखाया है तुम्हारे और सुष्मिता के बीच में कुछ क्योंकि थैंकफुली एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि फर्स्ट सीजन में ही बहुत ज्यादा केमिस्ट्री और ये सब की बातें हुई थी कि आप दोनों की केमिस्ट्री बढ़िया हाँ, मतलब कुछ एक मैंने कहा ना उस है उस शो में बहुत सारे एक्टर्स आप और तो एक डाइवर्ट नहीं हो रहा घुसखोर नहीं है ईमानदार है नजर रख रहा है लेकिन इंसान भी अच्छा है अपना भेजा हुआ बच्चा जो उसके यहाँ जाता है पुलिस बनकर उसको बचाने नहीं पहुंचता है कुछ मत करना वरना छोड़ू नहीं तुम्हें सो वो कई सारे शेड्स दिखाए गए हैं अलग अलग इमोशंस के

कहते कहते मैं एकदम पास जाके चिल्ला दूंगा फिर वो भी चिल्ला मतलब कुछ ऐसा कुछ कर देंगी और ये राम माधवानी सर के शूटिंग में ये पूरी छूट है हुँ. कि आपको यहाँ से बम्बई जाना है एनएचएट पकड़ के तो आप कहीं भी रोक सकते हैं थोड़ा डाइवर्ट कर, आपको पहुँचना बम्बई है तो वो एक यू नो माइल कहते हैं वो करना है लेकिन आप अपने तरीके से कर सकते हैं तो उतनी लिबर्टी हमें मिलती है उसमें हम खेल इम्प्रोवाइज कर सकते हैं जी और उसमें हम ये ये पॉजेज़ और साइलेंसेज और इन सब से और शब्दों से भी जिस स्कूल ऑफ तो एक्टिंग से आप निकलते हैं मतलब मैं स्टाइल ऑफ एक्टिंग की बात कर रहा हूँ उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी मनोज वाजपेयी सर पंकज त्रिपाठी जी अच्छे कलाकारों की जो जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं नवाजुद्दीन का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं उन्होंने कहा यार बहुत हो गया यार ये सब एक्टिंग करना मेरे को रोमांस करना मेरे अंदर भरा पड़ा <coughs> है उसको तो कहीं निकल हर आदमी मुझे सीरियस रोल देता है मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ मेरे को तारीफ नहीं चाहिए अब मेरे को भी रोमांस करना है स्क्रीन पे मैं टोटली totally आइडेंटिफाई करता हूँ उस चीज़ से सर मुझे भी करना है और <laughs> मैं ना पहले जब थोड़ा बहुत टेलीविजन किया <laughs> तो मेरी इच्छा एक्चुअली थी कि मैं जो टिपिकल टेलीविजन फैमिली सोप्स होती हैं होते हैं <laughs> उसका हिस्सा बनू अब कोई मुझे नहीं लेता होगा मेरी शक्ल के कारण या जो भी उन्हें लगता होगा नहीं लेते थे अनफिट अनफिट कर देते थे मुझे लगता था क्या बना रहे हो ऐसा कि मेरी शक्ल अनफिट है उसके लिए जब थोड़ा सा यू uh, नो you know, अपने आप को प्रूव किया थोड़ा लोग जानने लगे तब और ओ में आ गया मैं या फिल्मों में थोड़ा और काम कर परमाणु वगैरह आ गए तब मुझे टेलीविजन से वैसे फ़ोन आने लगे जब मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं दो दो तीन तीन साल कमिट कर दूँ यू नो एक एक शो के लिए लेकिन हाँ इच्छा होती है आई एम नॉट से फॉर एनी रीज़न जस्ट टू

ज्यादा पावरफुल किरदार है इसलिए नहीं 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 ज्यादा रिसेंट है मैं ये कहूँगा और ज्यादा नया है आर्या को तो मैं मतलब आर्या तो घर है राम माधवानी तो मतलब वैसा, आर्या इज फर्स्ट क्लाफ दैट वे बट राइट नाउ काला पानी ने जितना मुझे पुश किया है एज एन एक्टर जो लिखावट है और एकदम नया और इंस्पेक्टर है, नहीं बनाया है वो भी हाँ तो यही इन्हीं कारणों से हाँ तो हर जगह इंस्पेक्टर बनाया शानदार ये अच्छा रहा आपका हमने सुना कि आपने टीवी की दुनिया में काफी लोगों को सिखाया है वो हम बात करेंगे लेकिन एक बहुत बड़े फेमस एंकर हैं कुमार कुमार जी <laughs> क्या रिश्ता है आपका रवीश कुमार और उस ज़माने के अब तो बदल गया NDTV, जी। लेकिन एक जमाने में वो लाल विकास जी का बड़ा अच्छा एक डेढ़ साल में वहां पर जुड़ा था उनसे, सबके उस समय जो रिपोर्टर्स थे ख़ासकर ने उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी थी वॉइस एंड स्पीच एंड डिक्शन इन सब पे तो जब दिल्ली में कर रहा था तो रवीश कोर्स बहुत सीनियर हैं uh, उनकी क्लास एक अलग से होती थी आ, लेकिन उनका तो स्टाइल वह था ना देखिए जी है हरा पेड़ है <laughs> नहीं तो उस समय देसी स्टाइल है ना जो मतलब जी जी, जी जो कनेक्ट होता है हाँ, तो उस, उस समय जैसे आप आप बोल रहे हैं आपकी भाषा का एक लहजा है जी या जैसे हम लोग टीवी करते, हमारी भाषा एक लहजे में आती थी एक फ्लो में एक पैटर्न है उसका जिसमें हम बड़े सोफेस्टिकेटेड या डिसेंट साउंड करते हैं उनका एक बड़ा रॉ स्टाइल है जी देखिए जी हम यहाँ पर आए हैं और ये देखिए जी है ना हाँ भाई तो ये हाई डेसिबल रिपोर्टिंग जो होती है तो उनकी भी आदत थी कि डिबेट्स में वो बहुत आ, हाई पिच और हाई वॉल्यूम पे बात करते थे तो मैंने कहा कि सर ये सस्टे एक तो सुनने में भी थोड़ा सा अखरता है और दूसरा आ, सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो उन्होंने कहा भाई कि हाँ इसीलिए हमारा माथा जो है धर लेते हैं हम 45 मिनट का डिबेट कराते हैं कांग्रेस बीजेपी के बीच में और उसके बाद बाहर निकलते हैं जैसे कि सर दर्द हो रहा है सो so, ये दीज टू थिंग्स तो आई एम नॉट सेंग कि

कि आपका टीवी से रिश्ता रहा है आप गए थे एंकर वैंकर भी आप बन चुके थे जी मैं बनते बनते रह गए चैनल का नाम नहीं लूंगा हाँ पर मैं एक नाटक कर रहा था द लेजेंड ऑफ राम आमिर रजा हुसैन का इंतकाल पिछले साल हो गया हाँ। बहुत कुछ सीखा मैंने एक टीवी ही, ही है दर्शक समझ जा रहे हैं कौन सा टीवी है तो तो वो लोग आई डोंट नो कुछ अथॉरिटीज हमारा नाटक देखने आए थे और उन्हें कुछ आवाजें बहुत पसंद आई थी खासकर मेरी आवाज़ तो मुझे बुलाया था यहीं अपने न्यूज हाउस में ऑडिशन टाइप लेने के लिए और वहाँ भी बहुत पसंद आया और थोड़ा सा ऑफिस में ये फैला भी था कि यार एक लड़का आया है उसकी आवाज़ काफ़ी सही है ये वगैरह मुझे मैंने पूछा भी कि मैंने कोई जर्नलिज्म का बैकग्राउंड नहीं है तो नहीं 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 चलेगा आप सीख जाओगे धीरे धीरे बट ये हुआ कि यू आर गोइंग टू बी आवर वॉइस प्राइम टाइम एंकर एंड वो चैनल लॉन्च होने वाला था hmm.

तो कुछ आ, मतलब जिस तारीख को वो लॉन्च होने मैं आता था और मैं ड्राई रन भी करता था हाँ। ना, सूट वूट पहन के आता था एक लड़की आती होगी सर आज ये पहनना मेकअप होता होगा अच्छा। वो सब होता था और ड्राई रन होते थे, बड़ा मिस पड़ते थे मैंने जब शुरू किया था ना बड़ा मजा आता था यार कितनी बढ़िया दुनिया घर से कुछ भी पहन के चले ऑफिस में तैयार जी जी और कई बार ऊपर पहन लो नीचे जो भी पहने अपना ऊपर कोट डाल लिया तो वो सब चल रहा था कहाँ भी गया था होर्डिंग्स लगेंगे आपकी प्राइम टाइम एंकर रहेंगे आप इसे लॉन्च होंगे लेकिन कुछ तो बात हुई और एक दिन मुझे कहा गया कि आप कहाँ से आते हैं द्वारका से तो अरे इतने दूर से क्यों आते हैं मैं बोला क्यों आते हैं चैनल लॉन्च हो रहा है ड्राई रनस हो रहे हैं तो उसी के लिए आते हैं जब शुरू होगा हम यहाँ एक डेरा ले, ले लेंगे रूम ले लेंगे यहाँ रहेंगे फिर वीकेंड्स पर जाएंगे छुट्टी में नहीं नहीं आप फ़ोन करके आना तो मुझे लग गया कुछ तो गड़बड़ है तो फिर मैं अगले दिन नहीं आया तो खुद ही फ़ोन आया कि ऐसा है एग्जैक्टली द वे दे पुट इट वन लेडी स्पोक टू मी एंड शी सेट की वन एजेंसी इज़ मॉनिटरिंग द लुक ऑफ द चैनल एंड योर लुक डजेंट गो विद द लुक ऑफ़ द चैनल तो मैंने मैं हंसने लगा तो मैंने कहा कि क्या ये आई मीन यू कैन बी ओपन क्या ये कॉम्पलेक्शन को लेकर है कुछ वट डू मीन माई माइल्ड लुक डो विद द लुक ऑफ द चैनल तो शी सेट अब सर आप बेहतर समझते हैं मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ तो दैट्स इट आई आर स्टिल लाफिंग शी वॉज अमेज की यू नो ये हंस रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स एक uh, प्लम जॉब था मुझे नहीं पता मैं कब तक टिका रहता उस न्यूज़ इंडस्ट्री में आ, लेकिन मैं एक एक्टर था तो हाँ ठीक है हम जाते हैं बॉम्बे वापस वहीं से आया था मैं ये नाटक करने पर ठीक है इट्स ऑल गुड अभी मैंने टीवी देखते हैं जी अभी टीवी भी देखते हैं कभी आप न्यूज न्यूज अब मैंने देखना थोड़ा सा बंद कर दिया कुछ महीनों से वजह थोड़ा मैं बैलेंस्ड नहीं पाता था न्यूज थोड़ा बाइस्ट बात आई थिंक uh, वो जो फोर्थ पिलर वाली बात है डेमोक्रेसी की वो और ये मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा आई एम श्योर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनके एथिक्स uh, बहुत इंटैक्ट हैं लेकिन ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है आई एम श्योर जिसके दो कान हैं दो आंखें हैं वो अच्छा, देख सकता एक, एक है कि थोड़ा सा थोड़ा सा बैलेंस uh, जो है वो गड़बड़ है एक क्वेश्चन मेरे मन में और आता है आपको लेके बिकॉज आप uh, मैंने जितनी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड या आप यहाँ बात की आप ओपिनियन रखते हैं अपना आप अपनी बातों को लेकर एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है और बहुत ही क्लैरिटी से आप रखते हो उसे उससे क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं न्यूज इंडस्ट्री का कई बार ये आरोप लगता है कि आज के टाइम में ज्यादा हाइप बना दिया गया है यही चीजें पहले भी होती थी पहले शायद लोग नोटिस कम करते थे या सोशल मीडिया का इंपैक्ट इतना नहीं था तो हम सुन के समझ नहीं पाते थे क्योंकि तभी एक ही जरिया था नहीं थोड़ी सच्चाई इसमें भी है थोड़ी सच्चाई इसमें भी है आप आज पूरे सिस्टम में जो भी खामियाज निकाल लें पहले भी थी आज शायद थोड़ी ज्यादा है आज थोड़ा बैलेंस थोड़ा सा ज्यादा टिल्टेड है मैं ये कहूंगा आ, पहले ऑपोजिशन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाता था आई थिंक थोड़ा और कर सकते हैं सॉरी uh, सिस्टम को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाता है आई थिंक वहाँ थोड़ा बदलाव हो सकता है अगेन नथिंग आपके बिहार में तो पता ही नहीं लगता सिस्टम अपोजिशन कौन है <laughs> सत्ता पक्ष कौन नहीं सत्ता पक्ष तो पता होता है वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है सर जो हो रहा है अब क्या मजबूरियाँ हैं क्या नहीं है पता नहीं लेकिन आशा है कि चीज़ें बदलेंगी और ये बहुत ज़रूरी है आई थिंक बिहार के लिए और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आई थिंक एवरीवेयर आई थिंक आमिर खान ने बहुत पहले बोला था कि जस्टिस

तो आपको लिरिक्स कुछ समझ में नहीं आते और वो एक ही एक ही ए, less, एक ही उसमें हाँ। एक ही बीट है जैसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो समझ <laughs> में नहीं आता। चल क्या रहा है अगर वो आप कर सकते हैं जैसा की आमिर खान ने मैं कह रहा था आमिर खान ने बहुत पहले बोला था कि एज एक्टर्स जस्ट एज जस्ट एज वी गेट द पॉलिटिशियंस वी डिजर्व वैसे ही एज एक्टर्स वी गेट द फिल्म या वाइस वर्सा या उसका उल्टा बोला होगा तो आई थिंक सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थॉट वट एवर इफ़ वी कंप्लेन की सिस्टम में गलती है गवर्नेंस में गलती है गवर्नेंस में तो इसकी जिम्मेदारी तो हमें ही लेनी चाहिए hmm. और हम मतलब पूरी पूरी जनता तो आई थिंक uh, चाहे बिहार हो चाहे जहाँ के भी लोग हों hmm. ज़रूरी है अपने लिए सोचना uh, सारी यू uh, नो you know, uh, बातें छोड़ के और बिहार में थोड़ा सा कास्ट पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ज़्यादा है कौन जा तो भाई हाँ ये पूछते हैं लोग ये अभी तो जातीय जाती जनगणना भी करवाई जा रही है जी आ, तो, विकास कुमार आपका नाम है जी हाँ तो अब ये यही होता है कि कुमार में लोग पूछेंगे कि कौन क्योंकि कुमार बड़ा न्यूट्रल हाँ, सा जैसे है जैसे रविश कुमार वो पांडे है जी नहीं मैं विकास कुमार हूँ कुर्मी हूँ हाँ, नीतीश तो जी की जाति के हैं जी लेकिन कुर्मी में भी अब मेरा मानना है मैं रिलीजन और कास्ट से बड़ा मैं इतफाक नहीं रखता इन चीज़ों से मेरा मानना है मैं इतफाकन कोइंसिडेंटली uh, मैं हिंदू uh, हूँ और कुर्मी हूँ hmm. uh, मेरे पेरेंट्स उन ट्रेडिशंस को उन कस्टम्स को फॉलो करते थे इसलिए मैं वो हूँ फॉर्म्स में लिखना पड़ता है तो लिखते हैं hmm. वरना मैं मैं बड़ा एंटी ये सब चीज़ें हूँ कि एक एक रिलीजन में बहुत कभी जात पात की वजह से आपको सामना करना पड़ा किसी चीज़ का मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन हुँ? में हूँ वहाँ ये नहीं होता कॉम्प्लेक्शन वगैरह को लेके होता है क्योंकि शो बिज़नेस है या जो दिखता है वैसा लेकिन आ, कास्ट या ये सब की वजह बिहार में भी कभी नहीं हुआ कहीं भी? नहीं बिहार से मैंने किसी ऐसी चीज़ में कोई ताल्लुक रहा नहीं बिहार जाते रहते हैं बिहार जाता हूँ कम जाना होता है मेरे माता पिता गुजर चुके हैं और वहाँ पर मेरी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है नहीं लेकिन ख़ानदान है तो मैं बहाने ढूंढता रहता हूँ क्योंकि बहुत पहले गुजर गए तो मैं बहाने ढूंढता रहता हूँ कनेक्ट करने का अपने बचपन से अपने माता पिता से तो अगर एक्सटेंडेड फैमिली में किसी की शादी हो या कोई मृत्यु हो जाए पीछे मेरे कजन गुजर गए थे एक फर्स्ट कज़न तो मैं गया था जैसे मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी कि आप आने वाले हैं तो मैंने उसमें बिहार के विकास कुमार जी लिखा था तो आपको लेके बहुत सारे सवाल आए लोगों ने डाले जिसमें एक सवाल कॉमन लोगों का था कि बिहार की माटी से निकलकर विकास जी, जी जो हैं वो देश दुनिया में नाम कर रहे हैं बिहार के लिए क्या करेंगे जी तो पहले तो एज अ प्रोफेशनल Uh, बहुत जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो मेरी संस्था है ट्रेनिंग की हुँ. वो बनाई ही मैंने इसलिए थी क्योंकि मेरा था कि मैं लकी था मेरे माता पिता चाहते थे कि अच्छी एजुकेशन दें वेल में पढ़ाया जो भी अफोर्ड कर सकते थे अंग्रेज़ी अच्छी हुई उसी दौरान मैंने जब जब ये संस्था बनाई जब ये कंपनी खोली तो मैंने पढ़ा था कि एक सर्वे हुआ था वो सर्वे तो शायद किसी और स्टेट का था हुँ. कि सेम एजुकेशन सेम डिग्री कि अगर दो लोग हैं लेकिन एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं बोलचाल वाली कम्युनिकेशन वाली बेसिक आती है और एक को नहीं आती तो पैंतीस प्रतिशत प्रतिशत सैलरी का फ़र्क पड़ जाता है और इतना भी फ़र्क पड़ जाता है कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा तो मुझे था यार मैं इस इस डिपार्टमेंट में कुछ कर सकता हूँ पर ऑफकोर्स अब उस समय टेक्नोलॉजी वैसा नहीं था कि अब यू नो अब था कि सेंटर खोलें ये सब तो वो कैसे होगा लेकिन आज टेक्नोलॉजी वैसी है तो एक ऐप के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि शुरू करूँ और शुरुआत किसी तरह से बिहार शरीफ से ही करूँगा और थिएटर का भी ऑनलाइन भी नहीं ऑनलाइन और बिहार शरीफ में तो ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा ऑनलाइन तो फिर वो सबके लिए होगा लेकिन कोशिश है कि वहाँ जैसे थिएटर वहाँ नहीं होता एक्टिव तो वहाँ अगर कुछ कर पाए देखें कुछ टैलेंट वगैरह भोजपुरी तो सिनेमा में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ऐसा कुछ जो ऑफ लेट मैंने मैं व्यूअर हूँ नहीं भोजपुरी सिनेमा मेरी एक्चुअली भाषा भी मघही है तो भोजपुरी मैं समझता हूँ पूरी तरह से नहीं ना बोल पाता हूँ नदिया के पार तक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सिनेमा है वो काश वैसा सिनेमा बने मैं बनाना चाहता हूँ एज ए प्रोड्यूसर तो ये है दूसरा ये है कि जनरल एक बिहार की डेवलपमेंट के लिए और इसे भी थोड़ा वोट देने जाते हैं चलिए आसान पूछते हैं। नहीं मेरा वोट दिल्ली में है अच्छा ट्रांसफर करा लिया आपने नहीं बहुत पहले मेरे पिताजी ने दिल्ली में बिहार की पॉलिटिक्स पे नजर रखते हैं बेसिक तो रखते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में अभी जो सिनेरियो चल रहा है जी आपको क्या लगता है वो कौन जी बिहार को बदल सकता है आ, ये बहुत टॉल टास्क है मुश्किल काम है और कौन लेकिन आ, अभी ऑफ लेट मैं प्रशांत किशोर जी को फॉलो कर रहा हूँ और क्योंकि उनकी बातें कनेक्ट करती हैं मेरे से आई थिंक वो सिर्फ वो तथ्य रखते हैं सामने और सार्थक बातें करती हैं पॉजिटिव बातें करते हैं तो आपको पता है आप मेरे शो पर तीसरे मेहमान हैं जिन्होंने ये कहा है

बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं और स्पेसिफिकली एक बात जैसे मैं भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूँ पॉलिटिक्स में मेरी पत्नी भी थोड़ी जागरूक हैं हालांकि वो दिल्ली की हैं सरदारनी हैं ये भी किस्सा सुनना है हमको तो आ, मैं मैं भी हमेशा सोचता था कि बिहार में आप कैसे रियलाइज़ करवाएं लोगों को कि मतलब क्या क्या समझ के वोट देना चाहिए और मैं कहता था कि यार छोड़ो सब कुछ मैं अपनी पत्नी से कहता था बहुत बार पहले कह चुका हूँ कि सेल्फिश भी होके सोचे ना आदमी ये बड़ी बड़ी बातें नहीं समाज कल्याण देश कल्याण जाति कल्याण कम्युनिटी कुछ नहीं अपने बारे में सोचिए आपको क्या मिल रहा है क्या चीज़ से आप पर असर पड़ता है और आपके बच्चों पर तो ये अगेन कोइंसिडेंस है कि दो दिन पहले ही मैंने प्रशांत किशोर का कोई इंटरव्यू देखा और उसमें वो एग्जैक्टली exactly यही बात कर रहे थे कि सेल्फिश होकर यू नो जो अभी वो गांव-गांव टूर कर रहे हैं तो मुझे लगा कि नहीं वो तो फिर वही है ना आप कनेक्ट पाते हैं और आप उनकी जो भी और बातें मैंने सुनी हैं वो बहुत प्रैक्टिकल लगती हैं बहुत ऑनेस्ट लगती हैं अर्ली डेज देखते हैं कहाँ जाता है आई आई होप इफ़ इंटेंट चाहिए अगर इंटेंट ऑनेस्ट है कहते सब हैं वो फिर देखने को मिलेगा देखते हैं क्या क्या होता है तो इंटेंट तो मेरा भी है कि मैं नॉट जस्ट एज अ प्रोफेशनल एज अ पर्सन एज अ सोशल पर्सन दूँ बिहार को वापस मेरे पिता भी बहुत सोशल थे हम चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में आए वो इन सारे नेताओं को बहुत अच्छे से जानते थे मैंने सुना कहीं कि नीतीश कुमार जी शायद आपके घर पर भी आए थे जी वो मित्र रह चुके हैं मेरे पिता के मेरे पिता जब डॉक्टर थे एक समय नीतीश जी आपके पिताजी थोड़ा बताइए क्या प्रोफेशन क्या था क्या आपने आर्मी का भी जिक्र कर दिया डॉक्टर वो शॉर्ट सर्विस में आर्मी में थे फिर उन्हें एक्सटेंशन मिला पांच साल सेवेंटी के वॉर में थे वो बांग्लादेश वाले वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया था तो शॉर्ट सर्विस में गए थे एम करके आई थिंक वो पहले इंडियन आर्मी शॉर्ट सर्विस कमिशन ऑफिसर थे जिन्हें ड्यूरिंग सर्विस एम एस मास्टर इन सर्जरी करने पी करने का मौका मिला था तो वो करके फिर उन्हें एक्सटेंशन भी मिला बट ही चोज़ कि माँ बाबू जी का की देखभाल करनी है वापस बिहार आना है तो बिहार आ गए और उन्होंने डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू की तो हाँ मतलब अब वहाँ थे तो वही बताते थे कि नीतीश जी उनके मित्र थे नीतीश जी आई थिंक इंजीनियर हैं तो उस समय अनएम्प्लॉयड थे तो एवरी सैटरडे हीज़ टू कम और मेरे पिताजी के क्लिनिक में बैठ के घंटों गपशप होती थी uh, एक टाइम था जब मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस मिस्टर नीतीश कुमार इन सब के इलेक्शन कैंपेन हमारे घर से शुरू होते थे समता पार्टी वाले जी जी क्योंकि uh, एक था क्योंकि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट भी थे मेरे पिताजी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर एक जब सारे बुद्धिजीवी जुड़ गए तो वहां से कैंपेन जाति के भी थे दो बड़ा नाम तो वो भी एक चाहे तो हाँ वहां से देहांत हुआ था तो मुझे कोई खबर नहीं थी कि नीतीश जी आने वाले हैं वो सी थे उस समय मैं बिहार में सब सारे अंतिम वहीं हुआ था जी जी टू की बात है तो मैं वही अचानक हुई मृत्यु तो मैं बम्बई से आया काम के लिए तो आई थिंक तीन तीन एक दिन बाद मुझे किसी बड़े ऑफिशियल का फ़ोन आया कि आपको पता है कि सी एम साहब आने वाले हैं बोला मुझे कोई ख़बर नहीं है तो बोले आ रहे हैं अच्छा हम सुबह से ही देख रहे हैं कि गली में झाड़ू वाड़ू लग रहा है सफाई वफाई चालू है तो मेरा लगा क्या हो रहा है तो पुलिस उलिस तैनात है बगल के छतों पर ये सब तो आए थे तो अच्छा उन्होंने आधा घंटा बिताया और कुछ और कुछ एम एल सिंह भी आए थे लोग आए थे कुछ लोगों का तो जानते थे मेरे पिताजी एज अ डॉक्टर भी इलाज कर चुके हैं ये सब था तो आधे घंटे बातचीत हुई उसमें मैंने आप आप नीतिश तो तो कुमार जी का जी, जी आपका मन है पॉलिटिक्स में आप भी थोड़ा एक्टिव हुआ मेरा मन है मेरा मन है पर अभी भी मैं सही पार्टी सही लोग ये समझ नहीं पाया हूँ कि किसके साथ मतलब आप चाहिए दिल्ली बम्बई आपका आखिरी ठिकाना नहीं आखिरी ठिकाना बिहार पता नहीं ठिकाना देखिए काम की वजह से कर्म भूमि तो बंबई है अभी लेकिन आ, अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में जुड़ के या किसी और तरीके से जुड़ के मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बिहार बिहार शरीफ से शुरू करके अपनी मातृभूमि वहाँ से शुरू करके जितना हो सके करूँ क्योंकि होता क्या है कि ये नहीं कि आई कंसिडर माई सेल्फ अबव मैनी पीपल लेकिन थोड़ी पढ़ाई की है थोड़ा एक्सपोजर है तो चीजों को शायद बेहतर समझता किसी पॉलिटिशियन संपर्क में किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं नीतीश जी अब नहीं, नहीं उस समय थे नीतीश जी ने कहा था कि कभी कोई मतलब उसको एज ए ए समबडी हु माय फादर लेकिन मैं कभी टच नहीं था कब प्रशांत जी से कभी मिले कभी नहीं मैं, मैं मिला नहीं हूँ बट आई विल आई थिंक आई विल राइट टू हिम समडे दैट व्हाट ही इज सेइंग व्हाट ही इज इंटेंड्स टू डू इज वेरी टीम की हमारे पॉडकास्ट पर काफी नजर रहती है वो हमेशा ट्रैक करते हैं इन वीडियोस नहीं मैं तो हो सकता आप आपको फोन आ और अगर आ जाता है और वो आप कहते हैं कि 2024 में तो लोकसभा और, और का चुनाव है और हम चाहते हैं कि बिहार शरीफ से ही विकास कुमार जी कोशिश करें ये दिस इज वेरी अर्ली देखते हैं जब जब मैं ऑफर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पॉसिबल है मैं जानता हूँ हेतु है नहीं मैं देखते हैं ये बहुत एक्साइटिंग लग रहा है सुनने में एंड ऑफ कोर्स मैं मेरे पिताजी बहुत बड़े सोशल वर्कर थे एज एज अ पर्सन एज अ प्रोफेशनल हमने मैंने बहुत बचपन से आई कैंप्स यू नो रिलीफ कैंप पोलियो टीका ये सब मेरे पिताजी करते रहते थे फ्री में और ये सब मैंने अटेंड किया है आ, बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है बिहार शरीफ की तुलनात्मक और शहरों से बिहार शरीफ इसलिए नाम है दरगाह है वहाँ पर और मेरे पिता का सारी कम्यूनिटीज़ में बहुत अच्छी इज्जत थी गरीबों के डॉक्टर माने जाते थे हम मेरे पिताजी तो हमारे घर सबका आना जाना होता था और उन्हें बहुत प्यार मिला है मुझे बहुत प्यार मिला मैं जब भी जाता हूँ और मैं बहुत इज्जत करता हूँ सुषमिता जी बुलाइएगा वहीं पर कैंपिन करवाएगा झारझूर के वोट मिले देखिए पॉलिटिक्स में ना सब सबको थोड़ा सा थोड़े से यू नो झिझकते हैं आ, मैं बचपन से ही थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा पॉलिटिक्स में रुचि थी और आई डोंट वॉन्ट टू साउंड लाइक अ सेंट लेकिन मेरा था कि यहाँ कुछ करना चाहिए ये सिस्टम ठीक नहीं है ठीक है मेरे पिताजी थोड़ा डिस्करेज करते थे मुझे कि बेटा पहले अपना देखो यू नो लाइक चैरिटी बिगिन एट होम टाइप्स पहले अपना देखो अपना कुछ हिसाब किताब नहीं है एक बार सेट हो जाओ तो देखना बहुत बुरी जगह है hmm. जो अपने हिसाब से सही है मतलब और एक टाइम पे तो था भी भाई बहुत बहुत ही अजीब जगह है ना एक तो अनप्रडिक्टेबल भी है फिर वो बैड एलिमेंट्स ये सब का एंट्री वगैरह तो, तो डर तो लगता है किसी भी माता पिता को और मेरे पिता बोलते थे जब मैं एंटर नहीं कर पाया हूँ इतना उन्हें कौन नहीं जानता वहाँ पर तो फिर तुम तो अभी मतलब आराम से हुँ. तो लेकिन देखते हैं आई थिंक समडे यू हैव टू मेक दैट डिसीजन एंड जिस दिन अगर ऐसा कुछ हुआ मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे लगा कि नहीं ये सही है और जहाँ से भी आई लगा कि नहीं इंटेंशन सही है मैं उस मामले में बहुत वो हूँ आई वुड लाइक टू बिलीव मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ और मैं ईमानदारी से ईमानदारी को लेकर एक हम सवाल करती हूँ क्योंकि आप पॉलिटिकल इच्छाएँ रखते हैं और ये आपने खुलकर कहा कि अभी अभी हो देर हो सवेर हो लेकिन आपके जहन में कि पॉलिटिकली काम करना है समाज के लिए मेरे लिए पॉलिटिक्स ना बड़ा जो टर्म है वो बड़ा अजीब ढंग से यूज होता है हमारे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ना अरे इसको पॉलिटिक्स नहीं आता सीधा है लेकिन ले, हाँ, मैं मैं अब समाज कल्याण बहुत बड़ा टर्म है वो भी नहीं यूज करना चाहता लेकिन वो गिविंग बैक टू सोसाइटी कह लीजिए या फिर एक कम्युनिटी को यू नो कि हम सब मिलके एक दूसरे की मदद मैं वो जज्बा रखता जरूर हूँ अब मुझे आपसे आपकी फ्रेंड को लेके सवाल पूछना है अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी सुष्मिता सेन जी काफी कंट्रोवर्सी में आ गई थी काफी ज्यादा चर्चा रही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की फोटो डाली जी और कुछ और भी एक्टर एक्ट्रेस उन्होंने डाला था जी बहुत सारे ऐसे थे जो अयोध्या गए थे जी। आ, उसको लेकर दो नजरिया देश में है एक वर्ग कहता है कि ये हमारा था हमने ले लिया दूसरा कहता है पुरानी चीजों को रिस्टोर किया हालांकि वो मामला कॉन्स्टिट्यूशनली गया है उस पर हमें आपको बोलने का अधिकार नहीं है बट फिर भी उस दिन जो जिस तरह से कार्यक्रम हुआ था उन्होंने वो तस्वीर डाली कॉन्स्टिट्यूशन की उसके बाद सुष्मिता सेन के बहुत सारे वायरल वीडियोज भी आए जहां पर शायद उनके कोई एक्स बॉयफ्रेंड हैं या जो भी हैं उनके साथ वो बैठ के कुछ पढ़ रही थी फतवा या कुछ भी और बहुत सारे क्लिप्स आने लगे और उनको कोशिश किया गया दिखाने के लिए ब्रैकेट कि, कि, किया गया कि ये, कि ये थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी तरफ इंक्लाइंड है हुँ, 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 हुँ. मैं उसको साइड करता हूँ वट्स योर टेक ऑन टेक इज दू इज बीन मेड पोलिटिकल मैं जैसे मैंने कहा ना कि मैं इतफाक़न एक हिंदू हूँ कह लीजिए तो मेरा वही है कि आई थिंक मतलब क्या हुआ आप नॉन रिलीजियस हैं या हिंदू है तो तो हैं तो मैं क्या कर सकता तो नहीं मैं मैं अगर एक ही टू मैं नॉन हाँ बॉर्डर लाइन ये थी अब इतना आपके अंदर आप कंडीशन हैं आपने बचपन से पूजा पाठ ये सब देखा है मेरी पत्नी भी करती हैं गुरुद्वारा भी जाती हैं टेम्पल्स भी जाती हैं सब है तो वो सब एक आपके रोजमर्रा बेशक ना हो लेकिन एक प्रैक्टिस का हिस्सा है ठीक है उसको आप अलग से मंदिर दिखाई पड़ा सर जो हाँ है। मतलब वैसा वैसा कुछ लेकिन जिस तरह से वो चीजें और ये पर्सनल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को श्रद्धा है नहीं है बिलीव करता है नहीं करता है लेकिन जब ये पॉलिटिक्स में बाहर आ जाती है ना तो वो फिर गंद में है मुझे उस चीज से तकलीफ है सुष्मिता वाले पे क्या टेक आपके है आपके दोस्त हैं आपका क्या टेक नहीं उनका पर्सनल टेक है उनको, आप, उनको वो डालना आपका था। उस पे क्या थॉट है सही था गलत था नहीं वो सही है वो अपनी जगह एकदम सही है उनकी मर्जी उनको उन्होंने उन्होंने और कुछ कहा नहीं उन्होंने एक वो कॉन्स्टिट्यूशन की फोटो डाली थी अब exactly किस लिए डाली थी क्या डाली थी मतलब जो उसका मतलब समझ में आला की, मतलब तो संविधान जो है और इसको लेकर भी मैं एक चीज डाल देना क्वेश्चन कर देना कि बॉलीवुड पर कई बार जिस इंडस्ट्री से आप आते हैं अब नहीं लेकिन आज से थोड़े समय पहले तो आरोप लगता था कि जैसे ईद आती है जी तो ईद में जितने भी कलाकार हैं वो लिखते हैं ईद मुबारक जी और वो बड़ी सादगी से लिया है कि आपने एक, एक अच्छी तस्वीर लगाई ईद मुबारक चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो जैसे ही होली या दिवाली आती है पटाखे मत फोड़ेगा पॉल्यूशन सब बहुत मैं इन सब चीजों को छोड़ देता हूँ पर्सनल चॉइस पे ठीक है अब जिसको जैसे जज करना है करो तो मैं जैसे सुष्मिता का ही आपने बोला अब आई थिंक वी शुड बी टॉलरेंट इनाफ कि किसी ने कुछ डाला है डाला है ठीक है वो सोचते हैं आप सोच लीजिए उसके आगे बढ़िए अब एक नया आप क्योंकि सब एक दूसरे के एक्सेसिबल हैं सोशल मीडिया पे तो उस पर टिप्पणी करना ज़रूरी है ट्रोल करना ज़रूरी है अरे आप एक, एक नजरिया रखते हैं कोई और एक दूसरा नजरिया रखता है आगे बढ़िए ठीक है जब तक कोई आपको आपकी तो नहीं। 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 मुख्य विचारधारा है एक लेफ्ट ओरियंटेड एक राइट जो करेंट गवर्नमेंट चल रही है और एक कांग्रेस जो अपने को सेंटर कहती है सेंटर में भी थोड़ा सा लेफ्ट इन हाँ आती है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इनमें से आ, क्योंकि आपने देखा भी होगा बिहार बिहार से लेकर आपने जॉर्ज जी जी, जी जी का में 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 पहले लेफ्ट काफी स्ट्रांग थी नीतीश जी दोनों के सामंजस्य अब तो नहीं right <laughs> <Actually, laughs> तो अगेन <laughs> इसका क्योंकि भी एक, आपकी समाज किस रास्ते से होकर गुजर सकती है एक नॉर्मल उसमें क्योंकि आप ऑफकोर्स अगर आप बात करें कि किसको ज्यादा जरूरत है अपलिफ्टमेंट कहें ये भी बड़ा शब्द है या जिस चीज़ की भी तो आप जो नीचे का तबका है जिसको जरूरत है आप वहां से शुरू करेंगे बात लेकिन अच्छा अभी आप मानते हैं जो जितना बात करता है नीचे वाले तबकों की उतना ही कम वो करता है वो तो है वो तो हर वो तो दोगले टाइप लोग हैं जैसे भी कर्पूरी ठाकुर जी का जिक्र हर कोई कर रहा था वो तो देखिए वही ना हर चीज़ वो जो पॉलिटिक्स वोट बैंक पॉलिटिक्स ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स वो हर चीज का नजरिया ही एक अलग एक, एक अलग ढंग से ही लोग लेते हैं इसीलिए दैट्स द प्रॉब्लम कि यू कान गेट इन टू हेल्थी डिस्कशन और डिबेट बिकॉज वो हर चीज़ का एक यू you नो know, एक रंग ही अलग है True. किसी अलग चश्मे से ही मैं एक कुछ डाल दूँ अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ मैंने एक ए सी पी खान मेरा नाम है आ, आर्या में हाँ। मुस्लिम है फर्स्ट सीजन में एक सीक्वेंस है जहाँ मेरा काम ही हो गया था कि आर्या के घर के बाहर मैंने जीप खड़ी करके कि भाई इनको पकड़ना है पेन ड्राइव के लिए वगैरह हाँ। तो एक सीक्वेंस था जहाँ वो निकल रही है और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ठीक है तो मैंने वो दो रकात रकत जो बोलते हैं वो सीखी और बाहर मतलब वो किया वो कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनसे सीखा कुछ यूट्यूब से सीखा कुछ सेट पे दो मु uh, मुस्लिम थे क्रू में उन्होंने सिखाया और किया और दो टेक में हो गया और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आया कि आपने बड़ा अच्छा निभाया वो एक एक डिटेल तो मैंने ना एक एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था कि मॉडर्न एक्टिंग इज बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई लव द प्रोसेस और इस प्रोसेस में मैंने ये सीखा जो मैंने कभी नहीं किया है ज़िंदगी में hmm. कब करूँगा पता नहीं और तो उस पर भी किसी ने कमेंट डाल दिया कि अरे कभी पूजा करते हुए भी डाल दो ठीक है अब मैं 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 कुछ और ही डाल रहा हूँ वो भी डाल लूंगा जब डालने का एक तो मन मेरा जब मन होगा मैं डालूँगा जब कुछ वैसा मैं बस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ अंडरस्टैंड ना कि आई एम अब आप उसे इतफाक़न बोलें जो बोलें हिंदू दिस इज़ नॉट वॉट आई डू बट आई लर्न इट विद द हेल्प ऑफ सर्टन पीपल एंड बिकॉज आई कुड डू इट सक्सेसफुली इट रियली फेल्ट गुड एंड दिस इज़ द प्रोसेस आई रियली लाइक जैसे किरदार में है कि जो मैं नहीं हूँ या कुछ कैरेक्टर ट्रेक्स उस पे काम करके उसको प्ले करके या कोई भाषा वैसे ही वो उस पे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम पूजा वाला तो डाल नहीं रहे हो तो अब क्या बोलें <laughs> तो ये कोई बात हुई ये ट्रोलिंग अभी धोनी की वाइफ को भी सामना करना पड़ा था जी बिहार झारखंड से वो भी धोनी आते हैं वो रामलाला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे बाद में उनकी वाइफ साई मंदिर गई तो लोगों ने कहा मंदिर तो नहीं गई थी अब वही अब वही है कि सोशल मीडिया जो है ना उसने सबको छूट दे दी है कि एक वो आ, एक डीपी एक डीपी के पीछे इट्स गुड और बैड सी सोशल अगेन एवरी थिंग गुड और बैड नो प्रॉब्लम इज कि इट इट द बैड रियली कम्स आउट ऐसे कि देन आई थिंक यू शुड गेट अफेक्टेड बाई इट यू शुड लर्न एंड एज अ यू नो एज बींग इन अ प्रोफेशन आप भी इतने पॉपुलर हैं आपको भी हो सकता है

और फिर जब हमारी बच्ची हुई तो शी प्रिफर्ड बींगाला तो, वो मुझसे कहीं ज्यादा गिफ्टेड हैं कहीं ज़्यादा नेचुरल हैं मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक्टिंग में आ, तो हाँ वो हम यहाँ मिले आ, वो लोकल थी जनकपुरी में रहती थी उस समय वो तो घर से लंच वंच लाती थी मैंने एक डेढ़ महीने बाद मेरे लिए भी लाने लगी खाने का ठिकाना हो गया था एक दिन तो फिर तो फिर हाँ वहाँ से शुरुआत हुई सो कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए नहीं

अब उनकी कहीं एक रही होगी इच्छा जो अब क्या करें प्यार के सामने तो मतलब तो हाँ, नहीं, लेकिन कर... उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ इनफैक्ट अब अपनी बेटी से ज्यादा मुझे लगता है मैं ही पसंद हूँ और अभी वेलेंटाइंस के दिन कल ही थी ना हाँ। ये आपको पता नहीं नहीं, 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 हाँ। नहीं तो, <laughs> तो मुझे एक्चुअली परसों आना था यार हाँ क्योंकि कल इंटरव्यू था कुछ तो मैंने डिले करवाया कि नहीं यार वैलेंटाइंस पे तो मैंने तेरह की रात चौदाह की सुबह दो बजे सुबह मैं अपने एक मित्र को एयरपोर्ट छोड़ के आया था मैं फूल वाले के पास गया मैंने तीन गुलदस्ते बनवाए एक अपनी पत्नी के लिए गुलाबों से भरा हुआ उनको बहुत पसंद है काफी खर्चा किया आपने <laughs> नहीं कुछ भी नहीं था वैसे तो हाँ। उस हिसाब से जो उसका असर हुआ उस हिसाब से अपनी बच्ची के लिए और अपनी सासू माँ के लिए सो स्वीट और तीनों को सुबह सरप्राइज करके फिर फ्लाइट पकड़ के आ गया सुबह तो मुंबई रहती है जी सुपर सुपर फादर की क्या रोल आपकी लाइफ में बिकॉज मैं पंकज जी से बात पंकज जी काफी आइडलाइज करते हैं आप जितना मैंने आपको सुना समझाना पंकज जी से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक बात कही जो मेरे दिमाग से निकली नहीं की फादर से जिंदगी में उन्होंने कुछ पूछा नहीं था वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे थे बट जब फादर गए तो उन्हें लगा कि लाइफ शून्य हो गई है कि अब मैं किससे पूछूंगा फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि मैंने तो पूछा तो कभी था ही नहीं फिर मुझे एहसास क्यों हो रहा है कि मैं अब किससे पूछूंगा तो मैं पंकज जी की इस बात से टोटली आइडेंटिफाई करता हूँ और सब करेंगे जब मेरे पिता गुजरे थे ग्यारह साल पहले तो मेरे भी यही आया था कि वो छाता वो छतरी चली गई अम्ब्रेला वो होता है ना कि आप जितने भी बड़े हो जाएं, अब मेरी अपनी पत्नी है बच्ची है मैं एक तरह से यू नो आई हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर हुम डू आई गो टू मतलब अगर मैं uh, ऑफकोर्स uh, पत्नी मेरे साथ हैं बच्ची मेरे साथ है पत्नी का बहुत सहयोग है लेकिन uh, जब मुझे एक गार्डियन uh, वो वाली वो छाँ चाहिए वो प्रोटेक्शन चाहिए तो मैं किसके पास जाऊँ तो वो तो वो कमी uh, है और रहेगी uh, उस समय होता था ना कि मतलब जो भी आप आप जिस सिचुएशन से भी गुजर रहे हो आप अपने पिता के पास जाओ एंड माय फादर वाज द मोस्ट फियरलेस मैन ही डेंट फियर एनीवन और एनी थिंग वो क्वालिटी मैं उनसे नहीं ले पाया मैं थोड़ा सा सॉफ्टी अपनी मदर की तरह बन गया तो वो हम कुछ भी मैं अगर ये कह दूँ कि पिताजी जैसे ट्वेल्थ के पहले मैं बड़ा नर्वस था ट्वेल्थ एग्जाम से पहले कि मैं मुझे लगता है मैं फेल कर जाऊँगा तो वो कहते थे कोई बात नहीं ठीक है तो ऐसे अभी करियर को लेके या कुछ भी और जो भी जब भी उनके पास आप कुछ रखो तो यू you नो know कि इट विल बी टेकन केयर ऑफ़ अब वो चीज़ बहुत गलती है मतलब ऑफकोर्स लाइफ गोज़ ऑन एवरीबडी मूव्स ऑन लेकिन अब जैसे मैं uh, अपनी बच्ची को कहता रहता हूँ कुछ भी ऐसे उसको कुछ भी कोई भी ऐसा मोमेंट आता है जब वो वीक महसूस करती है वनडरेबुल महसूस करती है तो वेन आई सेट आई आई अगेन मिस माई फादर इसलिए भी मैं uh, जाते रहता हूँ वापस बहाने ढूँढता हूँ बिहार शरीफ जाने की हालांकि मैं बहुत टच में नहीं हूँ अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से लेकिन जैसा मैंने कहा कोई शादी हुई कोई मृत्यु हुई मैं जाने की कोशिश करता हूँ कुछ टाइम तक तो हम लोग किराए के मकान में ही रहते थे और हम लोग फर्स्ट सेकेंड फ्लोर पर रहते थे तो वही फर्स्ट सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के तो जब मैं पहली बार दूसरी बार गया तो अब मैं रहता हूँ फ़र्स्ट फ्लोर पे मेरे मकान मालिक रहते हैं तो उनसे इतनी नज़दीकी थी कि वहीं रहता हूँ जब मैं जाता हूँ तीन चार दिन रुका तो उन्हीं क्या तो मैं गलती से हमेशा ऊपर चला जाता था कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ और जब वहाँ पहुँच जाता था तो मुझे लगता था यारे मतलब ये तो अपना अपना घर है ना पिता है कोई और रहता है तो फिर नीचे उतरता था लेकिन आई लाइक लिविंग दोज मोमेंट्स आई लाइक विजिटिंग दोज प्लेसेस जहाँ भी मुझे मेरे माता पिता की याद वापस आए हुँ. और वो वो उतना दुख महसूस करना वो अच्छा लगता है मुझे ऐसा नहीं है कि कहाँ गम ये नहीं वो आई वॉन्ट टू लिव इट

और मैंने अपने ही बिहेवियर से मैं सरप्राइज़ था कि मैंने ऐसा क्यों किया और उसको थोड़ा सा विचलित होते देखा तो फिर मैं अलग से जा थोड़ा वो हो गया था कि नहीं 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 दिस इज़ नॉट व्हाट आई आई वांट टू बी हालांकि आजकल के बच्चे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं इंटरनेट से और ये और हमेशा ये हर जनरेशन में होता हो कि हम कंपेयर करते हैं यार हम तो ऐसे थे हम तो ये ये लोग तो पता नहीं क्या लेकिन हाँ वो समझना उन्हें ज़रूरी है आ, मैं शायद बहुत सीधा लड़का था तो मैंने अपने पिता से कभी कोई डांट कभी मार कुछ नहीं सुना खाया uh, मेरी बेटी थोड़ी सी चंचल है तो थोड़ी सी मम्मी उतनी सीधी नहीं।, नहीं 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 मम्मी सीधी है मम्मी <laughs> ऐसा कुछ uh, तो हाँ लेकिन जब मैं आ, आ, वही लास्ट तो वही हुआ था कि, कि मैं थोड़ा सा डांट नहीं पड़ती आपको पड़ती है ना क्यों नहीं पड़ती है बहुत प्यार है छुटपुट झगड़े भी होते हैं डांट भी पड़ती है अगर अगर मैं मैं खुद को को लेके क्रिटिकल उस पे भी डांट पड़ती है या जनरली आप किसी रोल लेकर कमेंट करती उसकी तुलना में तो बहुत कम मेरे सबसे बड़े क्रिटिक्स मेरे घर में सबसे पहले मेरी बीवी उसके बाद मेरी तो क्या काला पानी को देखकर हाँ तो काला पानी को देख के उनके अच्छे कॉमेंट आए और जब उनसे आ जाते हैं अच्छे कमेंट्स, हालांकि बड़े फिल्टर्ड आते हैं उस तरह नहीं आते जितना बाहर से आए हैं बाहर से भर भर के आए हैं फिल्टर्ड आते हैं कभी मैंने एक बार पूछ भी दिया था कि यार इतना कंजूसी से तुम बोलती हो क्योंकि तुम जब बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो लगता है कि दुनिया जीत लिया आपने बिकॉज एक तो मेरी पत्नी है मुझे खुशी होगी जब वो कुछ अच्छा बोलेंगी मेरे बारे में और दूसरा मैं उनके आंकलन को ना बहुत ऑब्जेक्टिव समझता हूँ आई हैज़ अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्टिंग और बहुत ऑब्जेक्टिवली देखती हैं ये नहीं कि मेरा पति है तो तो लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि नहीं मैं तुम्हें ग्राउंडेड रखना चाहती हूँ फालतू में उड़ने लगोगे सब लोग तो तुम्हें उड़ा ही रहा है तुमको धरती पर रखें सुपर। बैरी जॉन क्या मिला मुलाकात हो अब बैरी जॉन सर कौन है क्योंकि हमने सौरभ सचदेवा जी का भी इंटरव्यू किया वो भी बार बार बैरी जॉन सर के यहाँ पर ऐसा हुआ बैर बैरी सर के मुझे लगता है कि उनके ऊपर एक अलग से कि, कि, किताब या नावल या वेब सीरीज़ बिल्कुल बननी चाहिए सर वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं बड़े बड़े नाम हम लोग क्या हैं शाहरुख खान मनोज वाजपेयी मीरा नायर इन सब के गुरु रह चुके हैं वो आई जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है वो ब्रिटेन से आए थे इंग्लैंड से आए थे किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में बेंगलौर और वो रह गए वो अर्ली ट्वेंटीज़ में आए थे और उन्हें इतना प्यार हुआ हिंदुस्तान से कि वो रह गए और यहाँ पर एक चीज़ होती है टी आई ई थिएटर इन एजुकेशन उसके फाउंडर वो हैं एन एस डी में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने और फिर धीरे धीरे ही वॉज़ जैसा जो भी हम समझ पाए हैं उनके साथ थोड़ा वक्त बिता के कि ही वॉज़ नेवर यू नो हंग्री फॉर मनी और नेम फेम एनी थिंग क्वाइटली उन्होंने लोगों को नर्चर किया है और एक बड़ी चीज़ जो मैंने उससे सीखी है वो है डिसिप्लिन Uh, जब हमारा एक तरह से पासिंग आउट था तीन महीने के बाद उन्होंने सर्टिफिकेट्स बांटे और उसके पहले जो हमें थोड़ा सा ज्ञान दिया था कि यहाँ पर ऐसे ही फालतू मत भटकते रहना एन के बाहर बहुत लोग मिलेंगे यू नो चाय सिगरेट होगा उसमें मत फंस जाना काम करना हन योर ब्रेड इन बेटर बटर फर्स्ट इट्स अ वेरी ओके लवली इंडस्ट्री बट यू नो उसमें खो मत जाना रियालिटी uh, चेक रखना एग्जाम्पल दिया था मनोज वाजपेयी और शाहरुख खान का डिसिप्लिन के मामले में कि कैसे शाहरुख जब टैग में थे थिएटर एक्शन ग्रुप में आज वो शाहरुख खान हैं यही शाहरुख खान सबसे पहले रिहर्सल पे पहुंचते थे और कमरा खोल के उसका झाड़ू पूछा वो लगाते थे ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमने यू you नो know, सीखी और बैरी खुद बहुत पंक्चुअल आदमी थे मतलब अगर नौ बजे से सुबह से हमारी वर्कशॉप शुरू होती थी नौ एक इज लेट तो शाहरुख खान झाड़ू रहे थे करते थे आपने किसे किसे सिखाया मैंने मैं अगेन मैं ये नहीं क्लेम करूंगा सिखाया है पर हाँ काम किया है अब उसे सिखाना कहिए जो कहिए बहुत सारे लोग हैं कौन -कौन सा है, कौन -कौन सा है। हिंदी का बड़ा काम था वो था इश्किया तो कोर्स एक होता है, कि जितने है जितने एक्टर्स है ना जी जी तो अब सोचिए नसीर साहब जो अपने आप में इंस्टीट्यूट है उनको जाके दो महीने हर टेक में आंकलन करना नसीर साहब बोल रहे और मैं शुरुआत कर रहा था तो बढ़िया रहा मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे सीखा कि कैसे सिखाने खुद सीख के आ गए हाँ नहीं वो तो सीखते ही हो आप मतलब सबसे सब ऑल ब्रिलियंट एक्टर्स नसीर साहब अरशद वारसी विद्या बालन आ, आदिल हुसैन एंड हाँ। राजेश शर्मा हाँ। ये सब अपने आप में बहुत दिग्गज एक्टर्स हैं सब अपने अपने स्कूल ऑफ एक्टिंग हैं और हाँ मतलब तो आपका क्या काम था इश्किया में मेरा काम था थोड़ा बहुत विद्या थोड़ा बहुत भोजपुरी का फ्लेवर उनको दिया था उनका कैरेक्टर गोरखपुर बेस्ड कहानी थी और थोड़ा सा नुक्तों वगैरह पे भी काम किया था क्योंकि उनके कैरेक्टर को थोड़ा पोइटरी का शौक़ था और फिर बाद में मुझे हाँ नसीर साहब के हाँ तो भोपाली भोपाली नसीर साहब और अरशद वारसी खालू भानजा थे उसमें हाँ। और उनको भोपाली का फ्लेवर चाहिए था तो अभिषेक चौबे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे हायर किया मुझे भोपाली वाली नहीं आती थी पर उन्होंने बोला फ्लेवर चाहिए मेरी फिल्म का नाम डायलेक्ट नहीं है इश्कया है तो थोड़ा सा ले आओ तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कुछ लोगों को फ़ोन किया एक दो दोस्तों को कुछ फिल्में देखी और स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करके ले आया तो ऑफकोर्स पहले ही दिन नसीर साहब मतलब मैंने अभिषेक से बात की थी चौबे से डायरेक्टर हाँ। से कि नसीर साहब को भी बताना पड़ेगा तो अरे नहीं नहीं नसीर साहब को कौन बताएगा मरना है टाइप्स मतलब इन द सेंस कि उनको तो आता ही होगा या जो भी इतने सीनियर लेकिन पहले ही दिन पहला ही सीन जब हो रहा था तो अरशद को मैंने ब्रीफ़ कर दिया था तो वो थोड़ा बहुत पकड़ के चल रहे थे भोपाली फ्लेवर नसीर साहब प्योर हिंदी बोल रहे थे अब मुझे लगा ये कैसे चलेगा तो पूरी फिल्म बाकी है तो मैं गया उनके पास मैंने ऐसे ही बस हल्के से ही सर वो थोड़ा भोपाली मैं का मैं फ़ोत का फोत जो भी कुछ शब्द थे हाँ उन्होंने सुना और टेक अच्छा हुआ मैं भी बड़ा खुश मैंने बीवी को फ़ोन लगाया कि यार <laughs> पहला सीन हुआ नसीर साहब को भी कुछ ना एक होता है कि नजीर साहब के डायलॉग को जब आप बोल सकते हैं मैं वैसा मानता नहीं हूँ लेकिन हाँ मतलब हो गए ना भाई बाप टिप्स दे रहे हैं लेकिन हाँ मतलब वो दो महीने ये है कि हमारे दिमाग में वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि बड़ा फूक फूक के जाना पड़ता था कदम वैसे फूक फूक के रखने पड़ते थे कि अब जाऊँ कि ना जाऊँ कि वो कुछ पढ़ रहे हैं शॉर्ट्स के बीच टी वी पर जितना मैंने उनको देखा वो कई बार गुस्सा बहुत होते हैं जल्दी मतलब भड़क जाते हैं में भी वो कभी ऐसा नाराज हो गए क्योंकि वो तो अमिताभ बच्चन को भी एक्टर नहीं मानते थे उन्होंने कहीं कह दिया था कि वो कहाँ एक्टर है <laughs> आ, आ, वो सीनियर हैं इतने और तो आपके वही आपके साथ जो इंसिडेंट वहां थे दो महीने के गुस्सा नहीं कहूंगा मैं एक एक्टर जो होता है वो ऑफकोर्स उनका एक अलग फोकस अब मैं एक्टर हूँ तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ ऑफकोर्स उसमें भी अलग अलग टेम्परमेंट हैं सबके तो उसमें वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है उसका कुछ थाट प्रोसेस चल रहा है उसमें और ऑफकोर्स सबका अलग है कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे अर्शद वारसी हैं बहुत ही चिल्ड आउट हैं विद्या बालन हैं नसीर साहब को थोड़ा फ़र्क पड़ता है अब वो कुछ पढ़ रहे हैं कुछ और कर रहे हैं अब आप कॉन्टीन्यूटी के जाके जैसे तैसे आड़े तिरछे फ़ोटो ले रहे हैं तो उनको लगता है हटो सामने से कि मैं अभी भी सोच रहा हूँ तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है अदरवाइज़ okay. well, तो मतलब ऑफकोर्स लेकिन जब वो टेक देते हैं या आ, ये तो फिर आप फिर तो मतलब उस जैसा टेक तो जैसा वो देते हैं फिर क्या ही एंड इवन अदरवाइज

अब कोर्स इन इन लोगों को आप देखते हैं एवरी दे अटायर में आप आप यू नो तो, you know, पूरा तैयार एक फिल्म स्टार की तरह नहीं देख रहे हैं तो ठीक है और आदत भी है और मैं कोई आउटसाइडर नहीं है जो एक हवा बना के आप टाइगर जिंदा है तब तो मतलब कैटरीना तो नहीं अभी भी है तो आपको आदत लग जाती है आप देख रहे हैं मिल रहे हैं डेली आदत लग जाती है पहले दिन मैं गया तो मैं रेकमेंड किया गया था कहीं से कि टाइगर जिंदा है कि डबिंग करनी है गया तो हम लोग स्क्रिप्ट पे पहले थोड़ा काम कर रहे थे कि फिर जाके स्टूडियो में जब कुछ दिनों बाद जाएंगे तो आ, कुछ काम कर रहे थे तो अब ऑफकोर्स शी डेंट नो मी पर्सनली तो मैंने ना उन्होंने कुछ पढ़ा तो मैंने उनके साउंडस को चेक किया कि ये मिसप्रोनाउंस कर रही हैं आप कुछ कुछ उसके बाद मैंने ऐसे ही मुझे लगा कि ये लाइन शायद ऐसे भी बोली जा सकती है एक एक्टर वाला दिमाग मेरा एक्सक्यूज मी तो मैंने कहा कि कटरीना दिस यू कैन ऑल्सो से दिस लाइक दिस तो कटरीना ने कहा कि जस्ट टेल मी वट माई मिस्टेक्स आर इन टर्म्स ऑफ साउंड डोंट टेल मी हाउ टू से लाइन स तो काम किया आगे दूसरे ही दिन आई थिंक उन्हें उन्होंने भाप लिया कि इस आदमी को थोड़ा आता है कुछ तो दूसरे ही दिन जब हम बैठे हुए थे मैंने वही किया कि साउंड्स बताए कि ये गलत हो रहा है इसको ऐसे बोलते हैं इसको ऐसे बोलते हैं पूरा सीन ख़त्म हो गया तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक बार तुम करके दिखाओ कैसे करो तो मुझे लगा कि चलो अब मतलब अब थोड़ा सा ये हो गया एक आइस ब्रेक अच्छे से हो गया नहीं बट इट्स इट्स अ लवली आई थिंक शी इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड हार्ड वर्किंग और सुंदर तो कमाल की हैं वो और ये सबसे ज़्यादा मैंने मैं गया था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के सेट पे सेट पे कम ही गया हूँ मैं हुँ। तो उन्होंने एक दिन बुलाया था आ, कुछ एक लंबी चौड़ी रिहर्सल करनी थी कुछ तो वो कुछ लहंगा जो लहंगा ही बोलते हैं ना हाँ वो पहनी हुई थी ओह कमाल मतलब जब वो तैयार हुई तो मैंने बोला और उन्होंने आदाब ऐसे किया मैंने बोला बस और क्या मतलब इसीलिए तो लोग पागल हैं और उसको मैंने इन रियलिटी देखा गज़ब गज़ब खूबसूरत सुपर सुपर शानदार रहा ये पर मेरा जो भी ये ट्रेनिंग में देता हूं उसमें ऐसा कोई बायस कहीं कुछ नहीं है कि कोई कैसा है कोई मतलब हीरोइनों के प्रति कुछ ज्यादा फेवर रखता हूँ या कुछ सब स्टूडेंट्स हैं और कौन कौन से लोग रहे बड़े नामों में या वो जो आपको लगता है टैलेंटेड हैं सॉरी जो और कौन कौन से लोगों के साथ आपने है? मतलब ये एज नॉट एज एक्टर ये जो आप जैकलिन फर्नैंडिस हैं जॉन इब्राहिम है विद्या बालन है जैकलीन इज ग्रेट फन टू वर्क विद विद्यान दोस्त की तरह हम इश्किया पर जब काम कर रहे थे तो वो चैम्बुर में रहती थी शादी नहीं हुई थी उनकी तो पहले शी लवर्टी तो चाय बनाती थी और हम दोनों फर्श पे बैठ के सेशन होता था चाय पीते थे चाय पी थी मां बहुत बार हर हर दिन आपने हमारे यहाँ चाय पीने से मना कर दिया है वो कुछ

सुपर, सुपर। अभी भी एक प्रोजेक्ट किया है वेदा उस पे निखिल अडवाणी की फिल्म है, है अच्छा इक्वेशन सुपर ये तो बॉलीवुड की बात हो गई अब क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं ये न्यूज बुक प्लस हम स्पोर्ट्स बुक चलाते हैं जी आ, मुझे भी पता लगा कि आप तमाम क्रिकेटर्स को भी लैंग्वेज डिलीवरी पर काम करते हुए आप आ रहे हैं आरपी सिंह या कोशिश करते रहते हैं मोहम्मद कैफ या कॉमेंटेटर्स के साथ आप काफी जुड़े हुए हैं जी कोशिश करते हैं क्रिकेट में दिलचस्पी है है कितनी है मतलब उतनी ही जितना बिहार क्रिकेट से जुड़ा हुआ है या फिर ज्यादा नहीं उतनी मतलब कि... क्रिकेट में शायद ज्यादा है हाँ. मतलब कि खेले हैं मतलब जो भी देखते रहते अब हैं काफी लड़के बिहार से आ रहे आकाश दीप आया मुकेश कुमार अभी आए बिहार के झारखंड रांची बना धोनी और ईशान वहां से आए जी 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 हम्म ये ट्रेनिंग एक्चुअली कोशिश यही होती है कि और क्रिकेट में खासकर काफी सेलिब्रिटीज या सॉरी एक्स uh, प्लेयर्स को लाया जाता है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द नॉलेज पर uh, उन्हें थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन सिखाना ये काम करते हैं और क्योंकि मैं कुछ टाइम से ये कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत कॉमेंट्री कैसे करते हैं या कहाँ पर क्या बोलना चाहिए वो भी सीख गया हूँ तो वही ये थोड़ा बहुत ज्ञान थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग ये करते हैं तो जैसे uh, मैंने सुना आर पी सिंह के साथ आप काम करते हैं आर पी भाई रायबरेली के हैं जी पड़ोसी हमारे हमने साथ में काम भी किया है जी एक चैनल में हमने वर्ल्ड कप कवर किया था मेरे अच्छे भाई जैसे मित्र भी वो हैं क्या क्या सिखाते लाइक क्या आपकी क्या कॉन्वर्सेशन होती है क्या बात संवाद क्या होता है या क्या वो आपसे लेते हैं तो कुछ तो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जैसे कि और वो करते करते भी सीख जाते हैं कि जैसे कि अब जैसे बॉलर रनअप पे चला गया तो बोलना बंद कर दो अब ये नहीं कि बॉलिंग हो रही है और आप बोले जा रहे हैं क्योंकि अचानक से बोल्ड हो गया ठीक है तो आप आप एकदम बी कॉट मिड सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें और उसका जब हाईलाइट कटेगा तो कैसे कटेगा ठीक है तो ये सारी टेक्निकलिटीज हैं ओके okay. ये तो एक छोटी सी चीज़ है ये अपने आपको रिपीट ना करें सिर्फ वट uh, इज दैट वहन बेहतरीन 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 हर चीज अगेन होता ना हर चौक के हर छक्के पे अगर आप बेहतरीन बोल गए हाँ। तो जब उसका हाईलाइट कटा दर्शक बने फील्डर <laughs> नहीं कुछ चीजें जान के की जाती हैं ताकि वो चिपक जाए ये आकाश की बात कर रहे हैं आप हाँ ठीक है नहीं बहुत मजा आया उनके साथ काम करने तो फिर अलग अलग है। काम किया आपने जी 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 तो आ, आ, क्या बोलते हैं जैसे आर पी हुए कोशिश है, है, तो करते हैं आ, course, इतना बोल चुके हैं कि अब इस उम्र में चेंज करना मतलब दे आर फॉर दे नॉलेज ट्रू ठीक है और अगर समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं तो चल जाता है और हमारे देश में ये भी है ना कि इतने रीजन से सब आते हैं कि थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस मातृभाषा का रहेगा ये स्टार से से स्टार से आपका uh, था स्टार 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 स्पोर्ट्स से स्टार से मिश्रा तमाम लोग भी फिर होंगे वहाँ पे आ, हाँ कई लोग कई लोग सब लोग हर भजन इवन जॉन्टी रोड्स इंग्लिश सबको एक सेशन दो सेशन दस सेशन सुपर। बहुत लोग तो आकाश के साथ खासियत यह है कि उन्होंने इस इसको ट्रूली एज अ सेकेंड करियर लिया है पोस्ट हिज क्रिकेटिंग करियर एंड एंड वो तो इतना करने लगे हैं कि यूजली क्रिकेटर्स आते हैं एज एक्सपर्ट यूजली दो लोग होते हैं एक लीड कमेंटेटर जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है आपके जैसा कोई शख्स ठीक है और एक एक्सपर्ट कमेंटेटर जो एक मोस्टली एक्स प्लेयर या कोच होता है आकाश हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से क्रॉसओवर किया है जो लीड कमेंटेटर बन गए हैं ठीक है क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है इस पर अब ऑफकोर्स एक ये भी है कि जैसे हर प्रोफेशन में है मीडिया के कि पब्लिक को ये पसंद है तो यू you नो know, आप, आप कोई चीजें ज़्यादा बोलते हो वो चिपक जाती है कई बार हुए भी हो जाते हैं लेकिन उस चीज़ को वो चेक भी करते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं इसलिए वो जहाँ हैं है। अच्छी करते हैं लेकिन हाँ फिर पर्सनल चॉइस है अब अगेन यू आर डिक्टेटेड बाय बाय द ऑडियंस थोड़ा सा वो आर टी इज लाइक दैट यू विल नो इट तो वो थोड़ा सा तो उसमें इफ यूर अरेस्ट यू नो एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट और समथिंग एंड यू लुकिंग फॉर प्योरिटी देर वो थोड़ा सा हवा में तो जाती है ठीक है ये हमने हो गया कई सारे क्वेश्चन आपके फैंस ने हमें भेजे हैं जो लोगों के हमने कहा था एंड आई थिंक उसको लेना भी जरूरी है आ, क्योंकि वो ना लेंगे तो बेमानी हो जाएगी जैसे एक सवाल है सार्थक ने पूछा है कि सी आई डी के एक्सपीरियंस कैसा सी आई डी के, के बड़े सवाल हैं मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था कि आर्या को या काला पानी पर ज्यादा बातें होंगी बट जब मैं कॉमेंट सेक्शन खोल के देख रहा हूँ तो इसमें सी आई डी भरा पड़े देखिए लाइन से सी आई डी सी आई डी जी वो सी आई डी की रीच बतलाता है और सी आई डी कब शुरू होगा मतलब इतने सारे सवाल हैं क्या कहा जाए सी आई डी साल हो चुका अब कब शुरू होगा नहीं होगा आई थिंक इसका जवाब दया वगैरह कहीं पर तो अब दे चुके हैं हाँ, अभी पॉडकास्ट तो के जी 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 सी आई डी आई थिंक सी आई डी इज़ डिफाइंड बाई दो थ्री फॉर पीपल स्पेशली वो कुछ लेके आते हैं तो पता नहीं उसका जवाब तो मेरे पास नहीं है लेकिन जो एक्सपीरियंस वहाँ रहा वो बहुत अच्छा रहा hmm. uh, बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीनरी है वो प्रोडक्शन पूरा uh, बहुत ही अच्छे लोग हैं बहुत अच्छे एक्टर्स हैं इनफैक्ट uh, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और डायनामिक सबसे सीनियर हमारे ए प्रद्युमन शिवाजी साटम साहब थे और uh, अच्छा एक अगेन टिपिकल फैमिली जैसा माहौल और uh, एक बड़ी अच्छी चीज है सी की एक तो बहुत पॉपुलर शो है मतलब uh, मैं मैंने बस एक डेढ़ साल किया है और देखिए ये कमेंट सेक्शन में आपकी सी नहीं डी में okay. <laughs> मुझे एक किसी ने मुझे लिखा कि वो सीन बड़ा इमोशनल था कि मेरी माँ से कह देना

और उसके और बारह तेरह में किया था मैंने दो हज़ार बारह तेरह में और तब भी आज तक सबसे ज्यादा जो लोग मुझे पहचानते हैं वो वही पानी है कुलदीप है। कुल पूछते हैं कि आर्या जी को इतना क्यों परेशान किया परेशान करने लायक ठीक है ये मुझे अभी एयरपोर्ट पे जब अभी मैं आ रहा था ना बॉम्बे से तो सिक्योरिटी चेक करते हैं तो मैंने अपना बोर्डिंग पास रखा और ऐसे हाथ ऊपर के उन्होंने देखा ए खान का नाम यहाँ पे कुमार खान को मार <laughs> तो फिर वो बोलने लगे क्यों इतना तंग करते हो आप उन्हें ठीक है और आपने तो मतलब एक माँ जो है अपने बच्चों के लिए कर रही थी फिर ये गोली लग गई अब कैसे कोई माँ अपने बच्चों के लिए कुछ करेगी मतलब कुछ इमोशनल टाइप हो गए तो हाँ ये असर होता है लोगों पे अच्छा है इमोशनल कनेक्टिंग बना हैं एक दर्शक है मेरे अनुसार उन्होंने लिखा कि Uh, मुझे इनके किरदार को लेकर शिकायत है अगर ये गे नहीं होते तो शायद इनका वजूद और ज्यादा उभर कर आता नहीं नहीं ऐसा क्यों है कई लोगों ने उसको लेके ही पूछा नहीं पर आई uh, थिंक नहीं देट डिफाइन तो यही ब्यूटी थी uh, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। जो आपने कहा ना कि uh, आर्या से आपका हां वो अच्छा हाँ वो अगर चाहते हो तो आपके मन में लड्डू फूट काश

इस कैरेक्टर को और इस शो को और यूनिक बनाती है कि जिस तरह से आ, एक मुस्लिम कॉप जो कि होमोसेक्सुअल है और हमने उसका कुछ ऐसा कुछ वो नहीं बनाया कि हवा बड़े इतमान से जैसा मैं कहता हूं अक्सर कि मेरे पार्टनर का नाम उसमें अजय है हुँ. जया होती तो भी हुँ. यही होता हुँ. जैसे दिखाया गया है सुपर 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 आ, एक खान एंड कुमार आपने प्रोडक्शन हाउस खोला है जी खानन कुमार ये खान ए खान के चलते नहीं 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 तो so, शारिब खान मेरे बचपन का दोस्त है ओके क्वालिफाइड डॉक्टर है लेकिन uh, उसकी कमाई का जरिया एक आईटी कंपनी है like, पटना का है दोनों चल जाएगा इधर ए पी खान <laughs> नहीं।, <laughs> नहीं नहीं पटना का है न्यूयॉर्क में रहता है uh, बचपन से हम साथ में हैं पढ़े uh -huh. हैं और कुमार मैं हूँ तो यहाँ से एंड आई थिंक इट्स अ नाइस नेम इन द प्रेजेंट टाइम्स आई थिंक इट इट जस्ट स्पीक्स खान एंड कुमार के मेरे फेवरेट सिंगर भी रहे तो भी वो भी एक है तो आपकी कोई फिल्म शायद शॉर्ट फिल्म ऑस्कर में भी गई थी जी सोनसी नाम की पहली शॉर्ट फिल्म हमने प्रोड्यूस की थी उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था बेस्ट सीनेमाटोग्राफी नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में और हम दो तीन आ, फेस्टिवल्स हमने जीते थे तो उसमें से एक ऑस्कर क्वालिफाइंग फेस्टिवल होता है तो उस टाइम ऑस्कर के लिए क्वालिफाई कर गए थे नॉमिनेट नहीं हो पाए वहाँ तक नहीं पहुँचे लेकिन हम शॉर्ट लिस्ट हो नहीं अभी तो बहुत सारे काम बाकी होंगे ज़्यादा टफ क्या एक्टिंग करना कोचिंग करना लैंग्वेज की या फिर प्रोड्यूस करना एक्टिंग एक्टिंग वो कैमरे के सामने जो आप जाके करते हैं ज़्यादा पैसे भी यही मिलते होंगे वो तो है <laughs> <laughs> पैसे तुलनात्मक तो हाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन टफ है आपको दिल बड़ा रखना पड़ता है अगर अच्छी चीज़ बनानी है आपको हमेशा खर्च करने के लिए टाइम देने के लिए डिमांड्स पूरे करने के लिए उतना बड़ा दिल रखना पड़ता है लेकिन एक्टिंग वो कैमरे के सामने जाके वही आर्या में या काला पानी में खासकर जितना जितनी मेहनत करनी पड़ी है और वो सारे इमोशंस दिखाने पड़े आपको एहसास होता है कि नहीं सबसे मुश्किल तो वही है okay. ट्रेनिंग में बहुत मज़ा है आ, और अगेन ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ कुछ भी हूँ लेकिन आप केवल लैंग्वेज कोच है एक्टिंग कोच भी है आ, मैं दूर भागता था एक्टिंग कोचिंग से आ, बहुत पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था उड़ान विक्रम मोटवानी की हुँ, बहुत अच्छी फिल्म है जब आई तो बेस्ट डायरेक्टर एक्टर सब बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म मिली थी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और बहुत लोगों की फेवरेट फिल्म भी है तो उसमें जो लीड एक्टर हैं रजत बर्मेचा उनको मैंने ट्रेनिंग दी थी तो शुरुआत तो वैसे की थी लेकिन उसके बाद से मैं भी एक्टिंग करने लगा था तो मुझे लगा यार मुझे खुद हमेशा मैंने कहा ना मैं अंडर कॉन्फिडेंट एक्टर हूँ तो मुझे लगता था कि यार मैं खुद पहले क्या करता हूँ नहीं करता हूँ पता लगा लोग देखें है ऐसे ये खुद करता ये क्या सिखाएगा टाइप्स तो मैंने मैं जो कॉल्स आते थे मैं नहीं लेता था कि नहीं मैं रहने देता एक्टिंग एक्टिंग कोचिंग कोचिंग लेकिन पिछले दो तीन सालों में मैंने देखा कि डायलॉग कोच मैं जो इनपुट्स इनपुट्स दे रहा हूं, फिर एन एक्टर भी वो मेरे ले रहे हैं और बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स पे या विद्या ओपन टू तो, एनी काइंड आल्सो आफ्टर दैट फर्स्ट डे तो uh, कि मुझे, मुझे लगा ये कि,

अच्छा है आई थिंक एक्टिंग मैंने मुंबई डायरीज का प्रोमो शूट एक्टिंग किया था मेरे को बुलाया गया था जन एंकर शूट करने का अच्छा उसकी एक्ट्रेस हैं श्रेया जिन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है मुंबई डायरीज आई थी वहाँ में गया था मुंबई में अच्छा प्राइम वीडियोज़ के लिए अच्छा वेरी अच्छा। गुड अच्छा। फिर मैंने काफ हो गया अपना काम में अच्छा है हाँ मतलब एक है भाई एक्टिंग आसान तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं लोग कर सकते हैं थोड़े पैसे और आ जाए सही बात है ओके आप सवाल हमारे पास बहुत सारे थे अब आपको धीरे धीरे हम क्योंकि एंड पे जा रहे हैं यहाँ से क्या प्रोजेक्ट्स हैं अभी कुछ बड़ा जो धमाका आने वाला जैसे एक आर्या था आर्या ने एक पहचान दे दी तगड़ी सी था बट आर्या का रोल इम्पैक्टफुल था काला पानी का इम्पैक्टफुल था चली अब चली आपको लोग नोटिस करना ज्यादा शुरू करेंगे जी मैंने एक फिल्म की है उलझन नाम से बहुत बड़ी फिल्म नहीं है वैसी लेकिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में गई है मेरा काम एक्सक्यूज में मुझे लगता है ठीक ठाक ही है दो जगह नॉमिनेट भी हुआ था मैं बेस्ट एक्टर में तो इसलिए लगता है कि ठीक ठाक है अब इंतज़ार है कहाँ आएगी कब आएगी ओ टी पे उलझन में मैं और सलोनी बत्रा जो एनिमल में रणबीर कपूर की सिस्टर बनी थी हम दोनों लीड में हैं लीड रोल में उसमें उसमें मैं कॉप नहीं मैं लखनऊ का एक बिजनेसमैन मैन बनाऊँ लखनऊ में पूरी तरह शूट हुई थी इनफैक्ट उसके जो डायरेक्टर हैं आशीष पंत उनसे मैंने बहुत सीखा और आई थिंक मेरे करियर में एक शिफ्ट आया तो उलझन थोड़ी पहले हमने शूट की थी अभी आनी चाहिए बाहर उलझन के इमीडिएटली बाद मैंने आर्या की थी और आर्या के लिए जितनी मेरी तारीफ़ हुई मैंने एक्चुअली एक थैंक यू मैसेज आशीष पंत जो डायरेक्टर हैं उलझन के उनको भेजा था कि यू हैव नथिंग टू डू विद दिस स्टिल यू हैव अ लॉट क्योंकि उलझन पे जो मैंने सीखा बहुत कुछ एक्टिंग के बारे में वो मैं यहाँ अप्लाई कर पाया हूँ जो कि पता नहीं मैंने उलझन में कर पाया हूँ मैं कि नहीं पता नहीं तो हाँ मुझे लगता है उस हिसाब से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है एक एक्टर के लिए उसका अर्निंग सोर्स क्या क्या होता है कहां कहां से पैसे आते हैं आप लोग की घर खर्च कहते हैं केवल ये जो फिल्में है हैं इनसे जो पैसे मिल गए बस वो या कुछ और भी होता है एक्टर के लिए डिपेंडिंग ऑन पॉपुलैरिटी जैसे अभी आप आपने आर्या की थी जी. तो आर्या में एक अमाउंट था या अमाउंट ऑफ तो वीक्स के हिसाब से होता है जितने हफ्ते काम नंबर ऑफ डेज एंड होता है ऐसे ही हर फिल्म में इस बार हाँ हर हर जगह वैसे ही होता है यूजुअली तो यही होता और है और अनलेस यू बिकम अ स्टार फिर उसमें भी वही होता है कि अगर आप एक स्टार एज अ कैमियो आ रहे हैं तो इतना स्टार एज अ तो मेन लीड आ रहे हैं तो इतना वो है तो आप सिर्फ एक्टिंग के ही पैसे लेते हैं ट्रेनिंग अच्छा ट्रेनिंग, आ, ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग आप एक ट्रेनिंग करता मेरा घर तो ट्रेनिंग से काफ़ी हद तक चल जाता है तो दैट गिव्स मी द लिबर्टी टू चूज माई एक्टिंग इसलिए मैं कम एक्टिंग करता हूँ मतलब एक आर्या है काला पानी है इंतजार है कुछ ऐसे ही अच्छा आने का इसलिए मैं फिर रिफ्यूज़ कर पाता हूँ कई चीज़ें जो जिसमें जो मुझे ऑन द फेस ऑफ इट एक्साइट नहीं करती हैं सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव नहीं थे पहले नहीं, मैं अभी भी नहीं रहना चाहता हूँ मुझे क्यों? बहुत अजीब सी जगह लगती है सुष्मिता से कहने पर आप आए थे जी <laughs> जी तो हुआ ये था कि आ, मैं नहीं था सोशल मीडिया पर जैसा आपने कहा आर्या आई और लॉकडाउन वगैरह के समय ही आई थी फर्स्ट सीजन जब आया था तो आ, एक महीना हो गया और कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे तुम्हारी तारीफ़ हो रही है रिव्यूज़ में अच्छा लिखा हुआ था सुनने को आता ही था इधर दो से फ़ोन पे कई भूले भटके पुराने दोस्तों ने फ़ोन किया कि अरे क्या कमाल की हो तुम ये सब तो फिर सुष्मिता से एक दिन बात हुई तो उन्होंने कहा अरे कहाँ हो यू शुड बी ऑन इंस्टाग्राम द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट यू हैव गॉट सो मैसेजेस कि अरे हु इज़ दिस गाय ये वो तो नो नो यू यू मस्ट बी देयर और मैंने उस समय सुष्मिता से बात की विद्या बालन से बात की वही फ़ोन घुमा के ये कि मुझे पूछना था कि कैसे क्या होता है सोशल मीडिया भाई ठीक है आपकी वाइफ तो तो होंगी होंगी ना वो तो नहीं, वो, एक्टिव नहीं 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 भी, थी उस समय तक कोई नहीं था पहली नहीं जोड़ी <laughs> और और अलाया एफ हैं यंग एक्ट्रेस हैं मैं उनको कुछ ट्रेनिंग हिंदी डिक्शन सिखा चुका हूँ क्योंकि ये एक्टिव थी विद्या वैसी एक्टिव है वो वैसी वाली नहीं है जैकलिन की तरह एक्ट मैंने जैकलिन से बात की तो सबसे बात करके फिर मुझे लगा कि चलो इस बार आपने सही जगह इंटरव्यू दिया है क्योंकि मैंने मेरा ये था कि

कम ही अब्रॉड गया हूँ लेकिन कहीं से मैं लौट रहा था लेट नाइट तो आ, मैंने देखा कि कोई आ, एक महिला थी वो बाहर आई मेरे साथ ही और अचानक से एक अंदर तक तो कोई पहचान नहीं रहा था बाहर निकलते ही भीड़ आ गई कि अरे हाँ तो एक मुझे स... लगा कि शायद मैं पहचान लूँ मैंने कोशिश की नहीं भीड़ नहीं आई एक कैमरा और एक पर्सन तो मुझे लगा ये दो ढाई बजे रात में तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि फर्टर्निटी के कहीं देखा होगा आई डोंट क्लेम टू नो एवरी बट एंड नॉट देट आई एम वेरी नो नो समेडाउंट होता है जिसमें आपकी पी आर टीम उनको व्हाट्सअप करती है अच्छा मैम इतने बजे या सर इतने बजे निकलेंगे और आप अपनी लोकेशन में डालते हैं अच्छा ताकि ट्रेक कर सके और फिर आप कहते हैं नो 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 कैमरा आई एम नॉट लाइक दैट एम आई एम नॉट कम्फर्टेबल डूइंगट ना मुझे ये सब आता है मैं तो ऐसे ही अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ तो पता नहीं रिजेक्शन से कैसे डील किया मैंने हमेशा डील किया है कुछ करना ही नहीं पड़ा है मुझे मैं, कैसे? क्या मैं, क्या चलता है thought process? कुछ नहीं चलता एक्चुअली पीपल फाइंड दैट डिफिकल्ट टू बिलीव मेरे पिताजी को भी समझ में नहीं आता था पहले उन्हें जैसे वो तकलीफ uh, तो होती होगी ना दुख तो होता होगा एक दो बार हुआ है वो दैट लास्ट फॉर हाफ ए डेट्स इट कैसे कैसे इतना इतना हैड स्ट्रॉन्ग कैसे फिर आप पता नहीं मुझे बस मैंने जैसे मैं एक तरफ से रिलीजियस नहीं हूँ दूसरी तरफ मैं सबसे ज़्यादा रिलीजियस हूँ मुझे लगता है कि अगर मुझे भेजा है किसी ने ऊपर से जो भी तो बस है सौंप दो वो देख लेगा तो चाहे उस सब अच्छा टीवी चैनल से निकालना हो या वेब सीरीज कहीं तभी सर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब मुझे फ़ोन आया था तो मैं हंस रहा था एक बार ऐसे ही हुआ तो मेरे पिताजी को लगता था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि मैं ग्लैमर से आकर्षित हूँ ये वो मैं बोला यार मुझे क्या ग्लैमर ये क्या बात कर रहे हो आप एक्टिंग मुझे चाव है मज़ा आता है करते हैं एक बार ऐसे ही हुआ था ऑफकोर्स उन्होंने ये न्यूज़ चैनल वाली या और भी कई सारे रिजेक्शन देखे थे मेरे साथ होते हुए तो एक बार और ऐसे ही हुआ था और मैं उन्हें रात में फ़ोन करके हमारी डेली बातचीत होती थी रात में बता रहा था तो उन्होंने कहा उस दिन उन्होंने मान लिया hmm. कि तुम्हें मैंने इतना देखा है कि ये मिलते मिलते रह गया ये होते होते रह गया फिर भी तुम ठीक हो तो मतलब यू वर मेड फॉर दिस यू हैव टू मतलब यूर सेटल्ड अबाउट दिस क्यों यू डोंट गेट अफेक्टेड एंड आई एक्चुअली डोंट मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशान करती है चीज़ वो है जब मेरे पास नया काम आता है आता है तो जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट एक्टर हूँ मुझे लगता है मैं क्या ये निभा पाऊँगा hmm. आर्या के पहले हुआ काला पानी के पहले तो बहुत हुआ ठीक है एक एक सीन के पहले मैं मतलब क्यार कि दिस इज़ सच ओ वेल रिटन पार्ट आई मस्ट डू जस्टिस जस्टिस टू दिस सॉरी तो ये मैं क्या कर पाऊँगा कुछ हो जाता है कर लेते हैं मोस्टली कर ही पाए हैं मैंने आपकी एक आदत तो और नोटिस की कई सारे इंटरव्यूज़ में कई जगहों पर कि जब किसी शब्द पर आप फंसते हैं गलत निकलता है आप उसे दोबारा रिपीट करते हैं और पॉज लेके आराम से कंप्लीट करके फिर जाते हैं ये आदत लगी है वही जब मैंने कहा ना कि मैं इवन पॉलिटिकल लीडर्स जय डॉक्टर रॉय बेनज़ीर भुट्टो मैंने इनका एग्जाम्पल दिया था कि मैं जब कुछ करेक्शन देखता था इनकी तो मैं उस दिन ठान लेता था कि मैं आपसे ये गलत नहीं बोलूँगा तो यूजअली गलत नहीं बोलता था जब बोलता था तो तुरंत सही रिपीट करके बोलता था शायद वो है वो कैरी ऑन किया है कि कुछ गलती हो गई तो फिर हालांकि आई नो कि लाइफ सिचुएशन में यू शुड जस्ट मूव ऑन कुछ गलतियां तो बट इट्स गुड ना आई मीन इट डिपेंड्स डिपेंड्स टिल द टाइम इट्स नॉट अफेक्टिंग यू कुछ अचानक से सब रुक गया ये वो तो कुछ अगर हो गया हो गया देखिए हिंदी ऐसी भाषा है कि उसमें एक तो लिंग को लेके गलतियां होती ही हैं कहीं ना है कहीं से तो वो है या वैसे भी हुँ. करेक्ट कर सकते हैं करिए नहीं किया आगे बढ़िए सुपर uh, आप जैसे किसी को लैंग्वेज ट्रेंड करने आते हो तो कैसे नोटिस करते हो आप क्या नोटिस करते हो जैसे कि जैसे आप किस कैटरीना के पास गए या विद्या के पास गए या आ, हाँ, तो मैं कैसे जैसे, करते जैसे हो? अभी भी अभी अ, 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 अभी बहुत सारा चलन हो गया है अ, क्या बोलते हैं उसे पैन इंडिया फिल्म बनाने का एक कुछ हाँ साउथ साउथ प्लस नॉर्थ जैसा आप देख रहे होंगे तो अभी काफ़ी सारे साउथ के एक्टर्स अपनी हिंदी को प्रशअप करना चाह रहे हैं बिकॉज उन्हें ऑफर्स आ रहे हैं यहाँ से तो मेरा एक होता है कि एक तो बस हिंदी में बात कीजिए तो उसमें मैं आंकलन कर लेता हूँ कि भाषा की कितनी पकड़ है कौन से साउंड में फोटक्स से वहाँ नोट लिख लेता हूँ अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि बस बस मुझे मुझे पता होता है मैं क्या लिख रहा हूँ वो कर देता हूँ फिर एक आध जनरल मेरे पास बहुत सारे पैसेजेस हैं कुछ मैंने खुद लिखे हैं कुछ अडेप्ट किए हैं वैसे कुछ एक ऐसा सरल सा एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी टाइप पढ़ा देता हूँ मैं अगर वो देवनागरी पढ़ सकती हैं तो देवनागरी में नहीं देवनागरी में नहीं तो फिर रोमन में आ, आ, और मैंने भी कुछ चीज़ सही नोटिस है <laughs> और उस बिल्कुल सर तो उसमें फिर मुझे समझ में आ जाता है कि कौन कितने पानी में है नहीं ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे अपना आकलन करवाना था नहीं नहीं आप

जावेद साहब आता नहीं वो तो वो तो कई बार वो कहते आए हैं कि हाँ। मैं कहता हूँ मेरा नाम ये नहीं है जी 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 जावेद हाँ बिहार में ये भी एक ट्रेंड है कि जहाँ नहीं होगा वहाँ लगा देंगे नुक्ता हाँ हमारे यहाँ पर एक विधायक थे जलील और जलील उन, उनका हो गया था अच्छा अच्छा <laughs> उनका नाम में एक नुक्ता से कितना फर्क पड़ता था बिल्कुल जलील जलील वो जलील खान थे जी नहीं, नहीं तो बहुत फर्क पड़ जाता है पता लगा आप उसको अच्छा आपको लग रहा है कि आप खूबसूरत बना रहे हो उसे ऐसा है ना उर्दू बहुत लंबे समय तक हमारे विधायक उनको बहुत सारे लोग जी बड़े जलील भाई <laughs> <laughs> सुबह और कोई चीज जो आप बताना चाहें बताना चाहें आपने बात की अलग-अलग चीजें मतलब जैसे मैं एक्टिंग करता हूं ट्रेनिंग

इनवर्ड बोलते हैं आपकी आवाज़ ऐसे ट्रैवल करती है जो कि होना चाहिए और ये भी नहीं कि आप स्टेज पर खड़े हैं कई बार क्या होता है कि हम माइक पे हैं या लिपल लगा रहता है तो हम बुदबुदाने से लगते हैं नहीं मतलब इट विल कैच योर वॉइस पर वो खुला वो बॉडी तब आएगी जब आपकी आवाज़ खुली हो आपकी बहुत खुली है और बहुत अच्छी है और सुनने में बहुत अच्छी है मैंने कहा मैंने मैं तो जी नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ये लहजा लहजा वाला इस, जो इसको भी भाई ट्रेलर में लगा देना जी बिल्कुल <laughs> बिल्कुल मैंने शुरू में ही कहा ना हाँ कि, मतलब, course, मैं और कहता <laughs> आप भी है ना? ना, <laughs> अभी तो डॉक्यूमेंट्रीज पे हैं लेकिन अच्छा है नहीं आपके आपकी आवाज बहुत अच्छी है मैं एक क्या बोलते हैं ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहा हूँ वेलवेट नाम से कुछ नहीं तो आपसे सजेशन तो जरूर हाँ है। मैं आपसे ही जाना चाह रहा हूँ जैसे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे जहन में चलता था कि आ, एक आर वाली जॉब या आपकी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेडियो पर कोई प्रोग्राम करेंगे तो बड़ा खूबसूरत साउंड करेंगे जैसे एक टाइम पे मैं एक शो आता था लव गुरु जी मैं बहुत सुनता था जी क्योंकि जो उसके एंकर थे कौन थे पता नहीं चला मुझे कभी अब तो चेंज हो गए बट जो उनका लहजा था अब ये लहजा <laughs> Sir, very good very quick हाँ, जो उनका लहजा था वो बड़ा <coughs> खूबसूरत था मतलब जी. पंचेस, जी. या आपकी आवाज में जो आप इमोशंस फील कर लेते हो तो आपने कभी सोचा कि आप इस तरह कुछ प्रोग्राम ट्राई करोगे एक्चुअली uh, मुझे अगेन इट जस्ट गोज बैक टू एज अ परफॉर्मर में लगता नहीं होगा मुझ में बहुत झिझक है मुझमें बहुत लगता है कैमरे के सामने जाके एक्टिंग करना uh -huh. मुझे वेरी अर्ली इन लाइफ Uh, मैं कुछ ये डबिंग uh, मतलब अफकॉर्स यू आर देयर इन बॉम्बे तब तक मैंने डायलॉग कोचिंग शुरू नहीं की थी तो आपको ऑल्टरनेट ज़रिए नज़र आते हैं इनकम uh, के तो मैं एक दो जगह डबिंग क्या ऑडिशन देने गया था तो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझसे थोड़ा सा करवा लिया और पैसे भी दे दिए पाँच सौ रुपये हज़ार रुपये जो भी बने थे उस समय मुझे गौरव शर्मा एक हैं वो अलग अलग रेडियो चैनल्स में हेड रह चुके हैं uh, उन्होंने कई बार मुझे कहा है कि अरे दैट्स द वॉइस आ जाओ लेकिन मुझे मेरा हमेशा कमेंट्री अब न्यूज़ मुझे हमें हर जगह बोला गया है कमेंट्री में मुझे बोला गया है कि व्हाई डोंट यू डू वॉइस व्हाई डोंट यू कमेंटेट तुम सिखा रहे हो लोगों को मैंने बोला एक तो मेरे में अर्ज नहीं है और मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिखा रहा हूँ तो मैं बस चलो लगाओ मैच और कॉमेंट्री करने लगूँगा मैं एक महीना तैयारी करूँगा भाई सीखूँगा इस चीज़ को तो अ, मैंने बहुत अर्ली सोच लिया था कि एज अ परफॉर्मर आई विल ओनली एक्ट आई एंड आई वॉन्ट दैट टाइम आई डोंट वॉन्ट की मैं कॉमेंट्री करने लगूँ या रेडियो में बिजी हो जाऊँ तो एक्टिंग का कुछ अच्छा आ जाए ऐसे ही कम करता हूँ मैं तो वो चला जाए मेरे हाथ से तो एज अ परफॉर्मर आई विल एक्ट एंड देन एज बींग इन द क्रिएटिव फील्ड जो भी और चीज़ें हैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये टीचिंग का है ट्रेनिंग का है प्रोडक्शन का है अब अब ऑडियो में कोशिश है जैसे मैं ऑडियो मैंने कहा ना मैं उसी में फील कर रहा हूँ अब ऑफकोर्स uh, जो मेरे मित्र हैं जो पार्टनर्स हैं वो बोल रहे हैं अरे तुम कुछ रिकॉर्ड करो कहानियाँ मैंने किया मुझे सबसे कमज़ोर मैं ही लग रहा हूँ मेरी पत्नी कर रही है सबसे अच्छी कर रही हैं और दो मित्र हैं वो लोग अच्छे कर रहे हैं मुझे मैं कमज़ोर लग रहा हूँ बहुत कि मैं और फिर लोगों को लगता होगा ना कि सिखा रहा है लोगों को तो आ, अच्छा ही कर लेगा लेकिन नहीं आई आई थिंक आई नीड टू प्रैक्टिस आई नीड टू वर्क हार्ड एंड देन आई विल गेट देर ठीक है आखिरी सवाल आ, अगर भाषा बेहतर करनी हो बोलने का लहजा बेहतर करना हो तो तीन चार चीज़ें क्या ख्याल रखें जिससे आप अच्छा सुनाई पड़े या अच्छा रहे सब कुछ सबसे पहले तो भाषा की अगर बात करें तो इंटरेक्शन बढ़ाएं उस भाषा के साथ जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि बहुत सारे ऐसे यंग एक्टर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में जो हिंदी में बात ही नहीं करते हैं हिंदी में कंटेंट कंज्यूम नहीं करते हैं तो कैसे जानोगे उस भाषा को और वही बोलना चाहते हो अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे फंक्शन सारे अवार्ड फंक्शन सब में इंग्लिश ही यूज़ होती है घर पर वो इंग्लिश ही बोलते हैं तो पहले तो इंटरेक्शन बढ़ाएं आ, अगर न्यूज़ देखना पसंद करते हैं हिंदी में काम करना है तो हिंदी न्यूज़ देखें हिंदी कमेंट्री सुने हिंदी कंटेंट कंज्यूम करें हिंदी में बात करें ये सब सिर्फ अपने स्टाफ से हिंदी में बात करते हैं इतना ही गाड़ी निकालो पानी लाओ इससे कैसे होगा ठीक है दूसरा है एक राम बाण है जो मैं जो मोहम्मद कैफ के साथ भी मैंने अप्लाई किया है और बहुत सारे एक्टर्स के साथ अभी भी पेंसिल लीजिए ठूसी अपने मुँह में ऐसे और पंद्रह या बीस मिनट तक आप कोई चीज़ पढ़ जाइए वो किसी भी भाषा में कोई भी स्टोरी बहुत सारी चीज़ें तो वहीं प्रॉब्लमेटिक होती हैं कि आपका मुँह ही नहीं खुल रहा है इनफ ठीक है तो डिक्शन क्लैरिटी वहाँ से चीज़ें ठीक हो जाती हैं जब आप पंद्रह बीस मिनट रखेंगे कुछ पढ़ेंगे हर एक साउंड पे जोर देके के ये नहीं गए फिर विकास कुंभविगार ऐसे नहीं रह नहीं निकलेगा जीभ को रोकेगी पेंसिल आप ऊपर से जाके लगाइए जहाँ पे लगना चाहिए और आप जब पेंसिल हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही है और आप मच क्लियर हैं मैंने लोगों के लिस्ट हटा दिए हैं इसे एन में हुआ था एक बार दिल्ली में एक बार बॉम्बे में एक लड़की थी यंग फ्रेश आउट ऑफ जर्नलिज्म कॉलेज प्रॉफिट में थी और मैंने ऐसे ही दिया मुझे नहीं पता था कि इसका ये असर होगा और मैंने पेंसिल लगवा के उन्हें बोला पंद्रह मिनट आप जाइए बाहर ये करके आइए शी केम बैक वो सर सर करती थी समोसा समोसा वो आके सीधे समोसा एंड शी शी कंड बिलीव इट शी बिलीव हर शी स्टार्ट क्राइंग एंड शी सेट कि यू डोंट नो यू डन टू मी बिकॉज मैंने पूरी जिंदगी ये सहा है इतना चढ़ाया है लोगों ने मेरा कॉन्फिडेंस इसमें से इतना गिरा है तो ये सारी चीज़ें हैं और आई थिंक जहाँ हम कैरीड अवे हो जाते हैं जिसका शिकार शायद मैं भी हो जाता हूँ जो मैं अभी ऑडियो की कोशिश कर रहा हूँ hmm. ज़्यादा सफाई के चक्कर में ना वो एक फ्लेवर वो चला जाता है ठीक है वो आप नेचुरल रहने दें ने। आप ये सब एक्सरसाइजेस करके गाएं गाएं से बहुत गाने से बहुत खुलता है बेसुरा गाएं गुनगुनाएं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है एंड टेक केयर ऑफ शायरी से जैसा कि आप करते हैं आ, शायरी से क्या होता है कि आप इमोशंस को बेहतर समझ सकते हैं कई एक्टर्स के साथ ये भी एक्सरसाइज बहुत काम आता है कि आप शब्दों के अंदर के अंदर के मतलब परत दर परत आप अंदर घुसते हैं इमोशन उसको फिर आप बेहतर इमोट भी कर सकते हैं अपनी एक्टिंग में और सेंसिटिव आप खुद सेंसिटिव एक्टर को वैसे भी सेंसिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स हिज ओन कैरेक्टर टर्स कैरेक्टर्स तो हाँ शायरी और एक रिदम लाता है एक म्यूजिकलिटी लाता है आपके बोलने में क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना ये पूरा वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए कि कभी आओ बैठो हमारे करीब तो तुम्हें बताएं कि दिल का हाल क्या है आ गए सर अब यू तुम दूर दूर से पूछोगे फिर तो हम खैरियत ही कहेंगे अरे क्या बात है <laughs> मैं आपका फैन हो चुका हूँ आपने ऑफ कैमरा भी मुझे इतना कुछ सुनाया है वो आ, मेरी फेवरेट शायरी थी वो बहुत बड़ी बहुत थी थी पसंद थी, थी मुझे जो आपने सुनाई थी कि नज़र की नज़र में रहने के लिए दो आंखें नहीं बस एक नीक ख्याल ज़रूरी है क्या बात है किसी को ताउम्र अपने पास रखने के लिए जिंदगी भर का साथ नहीं कुछ अच्छे लम्हों की याद और अपनेपन का एहसास जरूरी है और ये मेरी फेवरेट लाइन थी कि रिश्तों की जिम्मेदारियां रिश्तों के संग खत्म थोड़ी हो जाती हैं रिश्तों की जिम्मेदारियां रिश्तों के संग खत्म थोड़ी हो जाती हैं बल्कि उनके उनके खत्म होने के बाद भी ख्याल 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 का ख्याल हर एक ख्याल में रहे ये ख्याल जरूरी है है क्या बात जिंदगी आज है तो शायद यकल नहीं होगी जिंदगी आज है तो शायद यकल नहीं होगी पर मोहब्बत की उस दास्तां का जब कभी जिक्र हो तो उस दास्तां का पाक साफ होना जरूरी जरूरी, जरूरी। ये मेरी फेवरेट लाइन है नजर की नी? नजर में रहने के लिए दो आंखें नहीं बस एक नहीं ख्याल जरूरी है ये मुझे लिख के दे दीजिएगा मैं अपनी पत्नी को सुनाऊंगा लेकिन ये बैक फायर कर सकता है क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो चल गया है वो नहीं इसको मैं टाक करूंगा छोड़ने वोड़ने का इरादा रख रहे हो क्या तुम, क्या तुम? क्या? क्या तुम? क्या? <laughs> मुझे हाँ जी कोलैबोरेट करेंगे आप उनको ये सुना दीजिएगा कि मैं आप ही की आवाज में सुना हाँ अंधेरी रात की गहराइयों में तो कोई भी याद कर लेता है अंधेरी रात की गहराइयों में तो कोई भी याद कर लेता है दिन के उजाले में दिल को जो पहला ख्याल आए इस दिल का वो एहसास हो तो अरे क्या बात है मैं अंधेरी रात को अंधेरी कर दूंगा वहीं रहता हूं मैं और दिन को दिल्ली कर दूंगा तो उन्हें लगे यार दिल्ली बहते हुए रहते हुए भी मैं उन्हीं का ख्याल या एक और मेरी फेवरेट है आप उनको सुना सकते हैं अभी वेलेंटाइंस डे बीता है आपने गुलाब उलाब काफी खर्च किया था जी जी कि काश एक ख्वाहिश पूरी हो इबादत के बगैर आप उनको डेडिकेट किए भाभी जी को कि काश एक ख्वाहिश पूरी हो इबादत के बगैर तो माँ कर हमारे गले लगो हमारी इजाजत के बगैर शाबाश <laughs> शाबाश सुपर सुपर मुझे लगता है शायरियों से अ, मेरी जो मेरा जो जबान था वो तो, ज्यादा बेहतर हो गई थोड़ा ही ही खुल गई और थोड़े इमोशंस की समझ और ये जो उतार चढ़ाव है फिर आप शब्दों के साथ ज्यादा रहते हैं हाँ तो अपने आप खुलते इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको हिंदी भाषा आती ना हो गाने सब इन्जॉय करते हैं। एक और एक और रामबाण जो खासकर जो बाहर से आए हैं जो अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते हैं गाने गाइए आप हिंदी गाने क्योंकि अगर सौ गाने आप गाएंगे ना तो क्योंकि वहाँ पे जैसे कि जैसे कोई भी गाना उठा लीजिए तेरे प्यार में तो मैं आप रह रहे थे ए, ए जो भी बाहर से आते हैं उनका ए सॉर्टेड नहीं होता ए ही निकलता है मेई मे की जगह तो आप रहते हो उस साउंड पे उतनी देर वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है नेज़ल साउंड गड़बड़ रहते हैं आप रहते हो वहाँ पे मैं यहाँ हूँ यहाँ वो उतनी देर आप हाँ पे रहते हो तो ये कुछ लोग समझते हैं करते हैं तो जल्दी इम्प्रूव करते हैं कुछ लोग थोड़ा सा आलस दिखा जाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है अभी रिसेंट हम आपको कहाँ देखने वाले हैं किस सीरीज़ में किस फिल्म में कहाँ अभी सबसे पहले उलझन में और फिर काला पानी सीजन टू में सीजन टू आई थिंक काला पानी को लेकर आप बहुत एक्साइटेड हो गए वो बड़े दिल के करीब लग रही हैं हाँ मुझे। और मुझे और मैंने अपनी मातृभाषा इस्तेमाल की है मघी में बात की है उसमें थोड़ा सा ता... बोल के बताइए ना आम, आ... जैसे बिहार में कई भाषाएं हैं कई लोगों ने लिखा था कि भोजपुरी बोली बट आपकी भोजपुरी नहीं, आपकी नहीं मगी है आपकी मघी मगी है तो मैं मगी डायलेक्ट में उसी का डाय जैसे मेरे अवधि है तो मैं और विशाल मिश्रा सिंगर जब आए थे तो हमने अवधिम बतिया था कि कुछ बोल के बताओ ना उधिम हमरे बार यही मेरे बोला बतवा हो जाता है तो ये हम ये हमारे तरफ के बोलिए हम कव बोलिए हम मतलब हर से कोई बोले वाला रहे साथ में तो हम फिर बतियाई भाई ऐसे ऐसी तो चीज़ बताओ अपने बाहर के जो नीक जो, हो बढ़िया हो जो नीक बढ़िया सब चीजें बढ़िया है वहाँ मने बहुत सारा नाम बढ़िया है हरियरवा एगो आदमी है एगो अचरिया है ठीक है एक मेरी चाची थी हम चाची हलथीन हार्डकोर जा रहा हूँ मैं अचरिया देवी अजनसिया देवी आ, आ, जैसे कोई गेस्ट आया हो। बिहार में कुमार और देवी इतना का है आई थिंक आई नो पर आई थिंक कास्ट अच्छा काहे है हमको लगता है कास्ट न्यूट्रल करेला अच्छा, हमको लगता है आ, हम महतो हैं दादा के उससे काहे हमरे पिताजी कुमार लगाए हमको नहीं पता काहे कि हमरे पिताजी कुमार हैं हमरे आगे कुमार बल्कि हमरे पिताजी तो साउथ में बहुत रहे थे बेंगलोर में पोस्टेड थे तो कुमारों हटा दिए थे खाली विकास तो उस पर मजाको उड़ा था मजाको उड़ उड़ले हल ये हम बोलते थे ना, हाँ। नहीं, टाइट, तो नहीं है खाली विकास ये तो पिक्चर का सीन हो गया कि नाम कहे जी तुम्हारा विकास कुमार अरे सरनेम क्या लिखते हो भाई नहीं तो हाँ तो उसमें हाँ हमारे पिताजी टाइटिलो हटा दिए थे तो हमारा हमारा स्कूल नंबर हल 555. हाँ. Five, five, five. <laughs> तो कोई नहीं है है <sharp> दोगो दो हाँ, तो है ही छ ढोकड़ी छ छ बहुत सारा चीज अभी तो बतियावे लग लगबई हमारे फ्रेंड था मुकामा से तो मैं का जानते हैं है मिश्रा जी सुनिए तो वो है वहां पर एक मुकामा घाट है हां तो बोलते हैं ऊपर से फिट फाड़ नीचे से मुकामा घाट वो <laughs> तो कुछ है, है कि अगर ऊपर से कुछ ठीक कर दिया है नीचे से बेटा टाइट टाइट हवा है तो वही वो, वो हाँ तो वो हमारे फ्रेंड थे अजय कुमार जी तो जी। हमको मैं रूममेट बन गए थे तो जब वो गए तो मैं क्योंकि गोंडा अयोध्या लखनऊ से गया था मैं तो मेरी हिंदी काफी बेहतर थी जी तो वो मेरे रूममेट बने तो जब उनसे बात हो हे मिश्रा जी सुनिए ना भाई सुनते कहे महाराज हाँ। <laughs> इधर आइए ना ए, खाना तैयार है मिश्रा जी बैठिए ना तो माई मॉम अरे मम्मी सुनिए ना काहे इतना बिजी रहती है तो मम्मी भी पूछ ले भाई हुआ क्या किसको डेट कर रहे हो कौन ऐसी लड़की जो तुमको <laughs> जैसे वहां से इनवाइट इन, सर बेटी का ब्याह कर रहे हैं हाँ। आया जाए ठीक <laughs> है ये कहो ना ये हाँ। तरह के भाषा नहीं, नहीं बहुत प्यारी बहुत मीठी भाषा है हाँ। मम्मी और हम हम पर किसी घमंड से नहीं है वो हम बस है वो हम है अरे हम एक इंटरव्यू तो हमारी पत्नी बोल बोलती भी थी पहले हम कौन कौन क्या हम <laughs> ठीक है अरे हमारे साथ हुआ हम इंटरव्यू देने गए थे एक बड़ा चैनल है वहां तो हमने कहा सर ये पता लगा तो हम आ गए तो और कौन <laughs> आओ कौन कौन आया महाराष्ट्र थे तो उन्होंने कहा हमने तो कहा नहीं, नहीं सर हम <laughs> हाँ। <laughs> तो हमको समझाना पड़ा मेरा अभी भी हम मैं थोड़ा कम निकलता है नहीं निकलता ही नहीं अगर आप वहाँ हैं तो कहाँ इसलिए काला पानी में हम संतोष सावला के रूप में मैं कहाँ बोले नहीं, नहीं बोले गार्जियन बोले हैं गार्डियन मतलब जैसा कई शेड देखे हमने आपकी जो फिल्मों में हमने कम देखे थे जी वही इसलिए एक एक्टर को ये भूख होती है और थोड़ा भी ठीक ठाक निभा जाए तो फिर अच्छा लगता ही है चैलेंजिंग भी है सीजन टू में जाते हुए चैलेंजिंग होगा कुछ नहीं पता क्या हो रहा है देखते हैं कोई कॉमेडी वॉमेडी का भी प्लान आपका तो अच्छा है की थी सर एक बहुत आलसी कॉल सेंटर में टीम लीडर था मैं आलसी टीम लीडर एक शो था एन प्रोड्यूस कर रही थी बहुत पहले द कॉल सेंटर नाम से चौदह एपिसोड शूट भी किए थे बाई था इंग्लिश हिंदी जाके रुक गई एक टाइम पे उसी समय मैं अनुराग कश्यप की जो पहली फिल्म होती एज प्रोड्यूसर हीरो हीरोइन नाम की अतुल सबरवाल जिन्होंने आगे जाके औरंगजेब बनाई जुबली के लेखक हैं जो अभी सीरीज़ आई थी जिन्होंने पाउडर बनाई पहला मेरा काम उनकी पहली फिल्म होती वो वो उसका मैं हीरो हीरोइन में हीरो था मैं <laughs> ले, वो रुक गई ये दोनों साथ में रुके थे तो यही होता है जैसे आपने कहा ना कि यू नो रिजेक्शन ये वो तो वो दोनों हुआ उस दौरान मुझे एक ऐसे ही कॉल आया था होता नहीं होता डॉन पहली डॉन शाहरुख खान की उसमें डायलॉग कोचिंग का, का काम आया था तो मैंने मना कर दिया कि मलेशिया जाना है मुझे तो दिल्ली में, में मेरा ये शो शूट होता था पंद्रह दिन और मुझे बाकी टाइम में मुंबई में फिल्म हीरो हीरोइन की शूटिंग करनी थी तो मैंने मना कर दिया तो वो नहीं लिया ये बंद हो गया वो बंद हो गया फिर हमने एक किया हमने एक नाटक <laughs> हमने हाँ नहीं हमने मतलब सब ने <laughs> हम प्रोड्यूस किए हाँ उसको लेकिन हाँ, तो ये है बट अगेन टचवुड अच्छी बात है ना कि अगर कोई रिजेक्शन uh, को ऐसा ले मतलब आई ट्राई कभी सोचा आपने गैंग्स सो ऑफ वासीपुर या मिर्जापुर जैसे उसमें गैंग्स ऑफ वासीपुर में मुझे मिल रहा था काम कौन सा किसका किरदार किरदार विरदार का नहीं पता ये पहली बार मैं ये कहानी कह रहा हूँ तो गैंग्स ऑफ वासीपुर के अराउंड के जस्ट पहले उड़ान जो मैंने कहा ना कि जो मैंने पहला काम किया था एज एक्टिंग कोच तो रजत बर्मीचा को ट्रेन किया था तो उसकी एक एक होता ना कि एक रफ एडिट हुआ उसकी एक पहली स्क्रीनिंग रखी गई थी तो स्क्रीनिंग दिखा के एक होता है कि सजेशंस लेते हैं तो जो भी जुड़े हुए हैं वो बुलाए जाते हैं तो मैं गया था रोहित रॉय रोनित रॉय थे बाकी के लोग थे रजत बर्मीचा था अनुराग कश्यप भी थे तो अनुराग कश्यप ने मुझे बोला

अब उसी समय मुझे खोटे सिक्के लीड रोल मिला था और मुझे कहा गया था कि आदित्य चोपड़ा हैज रियली यू एंड ही यू अब यशराज ठीक है, है टेलीविजन यशराज फिल्म टेलीविजन में खोटे सिक्के में लीड रोल उधर अनुराग कश्यप ने आपसे कहा है कि गैंग्स ऑफ वासीपुर नाम की मैं फिल्म बना रहा हूँ उसमें एक किरदार जिसमें बजट ना के बराबर है वो छोड़िए बजट वजट छोड़िए कोई बात नहीं <laughs> उसके उसी के साथ साथ मैं कलकी की ट्रेनिंग कर रहा था ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के लिए तो मैं उनके घर जाता था उस समय शायद शादी नहीं हुई थी लेकिन ये लोग साथ रहते थे तो और अनुराग फ्रांस से कहीं गए हुए थे किसी फिल्म फेस्टिवल तो बाहर जाते ही रहते हैं एज़ जज और ये सब वगैरह तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर तो वो वहाँ गए हुए थे तो मैंने कल से ये बात पूछी कि अनुराग से क्या ये पता लग सकता है कि कौन से रोल में क्या क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी चीज़ है मैं मैं उसको ना कह दूंगा मैं अनुराग के साथ काम करना लेकिन मुझे कुछ पता तो चले और मुझे तब तक पता चल गया था कि पंकज ऑफकोर्स आई थिंक थोड़ा सा अर्ली स्टेज था अनुराग ये नहीं बता पाए होंगे कि मैं क्या उसमें वॉज टू गुड टू जस्ट लेट गो अनुराग कश्यप फिल्म का जब बाद में

वासेपुर है यहाँ पर कौवा भी एक हाँ, 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 कबूतर भी एक पंख से उड़ता है राव बहुत अच्छा था लेकिन हाँ सरफरोश में सरफरोज मार खाने से लेकर हाँ, 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 पंद्रह साल बाद एक फिल्म का हिट वो इतने अच्छे कलाकार हैं कि सरफरोश भी जब मैंने देखी थी फ्रेश आउट ऑफ स्कूल मुझे लगता है यार ये आदमी कुछ तो कर गया है जब उनको टॉर्चर टाइप किया जा रहा है बहुत अच्छा किया था उन्होंने था बट लार्जर देन सो यू रिग्रेट रिग्रेट नो 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 एट ऑल फिर भी नहीं नॉट इवन परसेंट एंड एक तो रिग्रेट नहीं है दूसरा अगर आप लॉजिकली भी देखें तो मेरे सामने इतनी बड़ी चीज़ थी मैं यशराज फिल्म टेलीविजन के एक शो का लीड था मैं उसको कैसे ना कर दूँ <laughs> नहीं बट आज जब पीछे मुड़ के देख नहीं नहीं मैं कुछ ऐसा पीछे मुड़ के नहीं देखता कुछ भी नहीं अनुराग के साथ कोई बातचीत होती है नहीं ऐसे रेगुलरली नहीं पर uh, मैं कर सकता हूं भी में में आप है। में ऐसा रेगुलर नहीं जैसा मैंने कहा मैं भी टू माय सेल्फ विद माई अनुराग कश्यप के बारे में एक बात लोग कहते हैं कि uh, जब उनके पास पैसा होता तो कूड़ा पिक्चर बनाते हैं और जब वो <laughs> उनके बॉम्बे संसाधनों की कमी होती है और सारी चीज़ें होता कि बस डू एंड डाई पे है तो वो एक ऐसा मास्टर बना देते हैं क्या लोग कहते हैं वाह क्या बता एज अ क्रिएटिव यू नो समी होन द क्रिएटिव प्रोफेशन और ये सारी एनर्जीज देखते हुए तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब मुफलसी में काम होता है तो कुछ थोड़ा जब जब मजबूरियाँ होती हैं तो तो एनर्जीज जो है ना सारी एक तरफ लग के कुछ बना देती हैं कुछ आउट ऑफ नथिंग क्रिएट होता है अब आई डोंट नो ऑफ़ कोर्स ये एग्जांपल बॉम्बे वेलवेट का दिया जाता है आई डोंट नो वॉट वॉज प्लान आई डोंट वेंट रॉन्ग ये वो शायद आप फिर से दीजिए उनको सौ करोड़ कुछ बहुत अच्छी चीज बना दें दे। क्या था? आपने देखी तो होगी ही क्या था ऐसा जो इतनी बड़ी हिट हो गई बिकॉज लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था उसे कहीं यार ये क्या बनाया दो इतना बड़ी फिल्म ये वो बट वो एक कल्ट साबित हुई कि अभी भी लोग उसका जिक्र करते हैं आई थिंक एक जो पूरा एटमोसफियर क्रिएट हुआ था और जो रॉनेस वो लेके आते हैं अपनी फिल्म में और जिस तरह के परफॉर्मेंसेस ये तो है कि अनुराग मैंने जो भी सुना है कुछ मेरे मित्र भी हैं जो काम कर चुके हैं वो ऐसे सिचुएशन में आपको डाल देते हैं कि फिर आप आपका वो सारा मुखौटा उतर जाता है फिर आप लगे हुए हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है निकल के आती है और कैमरा छोड़ देते हैं कि हो रहा है हो रहा है मुझे लगता है आपको एक फिल्म उनका करनी चाहिए आई वुड लव टू उसका रीजन में इसलिए बोल रहा हूँ मैंने आर्या देखी जी आर्या में आपका जो जैसे आपकी ये पर्सनैलिटी है यही पर्सनैलिटी स्क्रीन पर भी है

टेलीविज़न का थोड़ा सा ग्रामर अलग है बट हाँ मतलब इफ़ यू आर पुस्ट लाइक अगेन आई एम गोइंग बैक टू काला पानी लेकिन दो तीन जगह मुझे लगा कि मैंने ऐसा कभी अपनी लाइफ में इमोशन या ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया है ऐसा इमोशन फील नहीं किया है तो वो जब आप कर लेते हैं एज एन एक्टर तो आपको लगता है यार हाँ मतलब कुछ ये यू सरप्राइज योर सेल्फ ऐसा ही अभी एक शॉर्ट फिल्म की है उसके बारे में बात नहीं करूँगा उसमें भी मुझे ऐसा लगा आ, या फिर एक ऐसे ही एक एक्शन करते हो ना आप जब खोटे सिक्के में किया था हाथ हाथ में आग वाग लगा के तो आपको ऐसी थोड़ी लाइफ में आप करते हो और मैं ऐसा कोई बड़ा निडर वैसा वाला नहीं हूँ कि आ जा मैं हमेशा से मैं कभी लड़ाई वड़ाई में पड़ता नहीं था ऐसे तो लेकिन एक्शन करते वक्त थोड़ा डर तो लगता है लेकिन जब आप कर लेते हो तो आपको लगता है हाँ यार मतलब तो कोई चीज़ जो आपने सोचा नहीं था कि कर पाओगे वो अच्छे से हो जाती है एग्जीक्यूट गाने वाने सुनते हो आप सुनते हैं किसके सबके मैं मैं मतलब अभी पीछे मैं ए पी ढिल्लों से इंट्रोड्यूस हुआ था उनका कॉन्सर्ट भी देखने गया था तो पहले मैं नहीं सुन रहा था लेकिन अब मैं काफ़ी सुनता हूँ एनिमल के गाने डंकी के गाने फिलहाल पुराने में सब किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी बहुत पसंद है मुझे मुकेश की आदत मेरे पिताजी ने लगाई थी बताइए मैं क्लास फाइव में पढ़ने वाला लड़का उनके साथ बिहार शरीफ से वो वीकेंड्स पे कभी कभी पटना जाते थे छोटा सा दो घंटे का काम जाएगा माटी के मोल हाँ नहीं सारंगा याद में और मैं स्कूल टाइम में ये सब मेरे फेवरेट गाने होते थे तो लो लोगों को लगता था, था ये क्या सुनता है लेकिन नहीं आई आई थिंक आई लिरिक्स से ज्यादा मैं म्यूजिक पे वो करता हूँ और कुछ भी कर्णप्रिय कुछ ऐसा सुनाई दे दिया जो म्यूजिकली ठीक लग रहा है तो चिपा ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक ठीक है लास्ट uh, क्वेश्चन uh, आपकी नज़र में मैं कुछ एक्टर्स के नाम लेता हूँ इनमें से सबसे फेवरेट एक्टिंग वाइज कौन आपको लगता है कि कौन है पहला नाम सबसे हैवी वेटेज में डालता हूँ इरफान खान जी क्लियर हो गया <laughs> मेरा रिजल्ट आउट है हाँ बोलिए बोलिए और बोलिए जो एक्सपेंड <laughs> कर सकते नसीर साहब को जोड़ा था मैं इरफान खान क्यों मैंने बोल दिया मैं पहले मैं नहीं समझता था मैं बहुत ऑनेस्ट वो बोल रहा हूँ पहले मुझे लगता था कि एक उनकी पर्सनैलिटी में एक स्ट्रीक है कुछ एक टेढ़ापन अड़ापन है और आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कुछ अलग जो लेके आए नाना पाटेकर कुछ अलग लाए शाहरुख खान कुछ अलग लाए तो ये जो अलग एनर्जी टेंजेंशियल कुछ अच्छा लगता है तो मुझे लगता था मैंने ज़्यादा काम देखा नहीं था आई वॉज रॉन्ग इन माई जजमेंट तो मुझे लगता था कि ये ऐसा ही कुछ कुछ घुमा के मैं कुछ खुजा दिया कुछ खांस दिया कुछ खकार दिया वैसा वाला फिर मैंने मुंबई मेरी जान देखी द दे नेम सेक देखी मुझे लगा भाई ये तो ये, ये हैं एक्टर एंड देन फिर जो भी फिर फिर समझ के सब कुछ देखा कमाल मकबूल देखिए आपने जी वो जो सीन है जिसमें वो वो डर जाते हैं जो नहीं जो पलट कर खाना नहीं नहीं वो वो उनका फिर वो ना वो फिर एक उन एक रूहानियत सी है उनकी परफॉर्मेंस में और जब आपको एक तो वो अप्रिशिएट करने के लिए आप भी थोड़ा सा अगर समझ पाए ना उन चीज़ों को तो और और अप्रिशिएट करते हैं आप छोटी छोटी चीज़ों में और उनमें कुछ तो था जो इसमें पान सिंह तोमर में ये भगवान आपको लगता है कि मतलब कैसे कर लेता था ये आदमी और अगेन एक्टिंग आई थिंक किसने कहा है आई कुड बी रॉन्ग मैंने एक दोस्त से सुना था कि नसीर साहब ने कभी कहा था कि एक्टिंग मस्ट बी नेचुरल बट इट मस्ट बी अट्रैक्टिव टू अब आई डोंट नो कैसे करते हैं ये बट इरफान साहब में ये बहुत नेचुरली था वो खींचते थे आपको अपनी तरफ तो एक ऐसा एक्टर जिसको आप कमर्शियल स्टार उस श्रेणी में नहीं रखेंगे लेकिन एक्टर एक्टर में रखेंगे लेकिन जो भी प्रोजेक्ट उठा लीजिए वो अपने आप को आप वो आपको अपनी ओर एकदम खींचता था एंड ही आई थिंक वुड पुल ऑफ एनी थिंग बहुत चीज़ों में नहीं देखा होगा करीब करीब सिंगल में देखिए आपने सोचिए मतलब क्या आप क्या हाँ मतलब क्या, 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 क्या काम है अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम इरफान खान जी जो जी जी तो यही मैं इतना और जब वो गुजरे भी तो मैं लिखना चाहता था कुछ कि मैं अफेक्ट हुआ था मेरी वाइफ बहुत अफेक्ट हुई थी आ, पर आई थिंक नसीर साहब ने कुछ लिखा था इवेंचुअली क्योंकि कई बार होता है कि आप इतने झटके में रहते हैं कि आपको समझ में नहीं आता वो शब्द मैं उतना अच्छा लिख नहीं सकता तो उन्होंने कुछ लिखा था कि वो लेगेसी सब के लिए छोड़ के गए हैं इरफान हम सब के लिए एक्टर्स के लिए कि कुछ वैसा मतलब वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए है ये नहीं तो वो वैसा है कुछ और मुझे बहुत खुशी हुई थी मुझे एक मौका मिला बाबिल का एक्टिंग कोच बनने का द रेलवे मैन में तो मैंने कुछ वर्कशॉप्स ली थी अगेन मैं कुछ ऐसा पढ़ाता सिखाता नहीं हूँ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ कि क्या आ, मैंने जो ओवर द ईयर्स देखा है कि क्या सही लगता है क्या गलत लगता है क्या काम आता नहीं आता है ख़ुद के साथ दूसरों के साथ तो कुछ चीज़ों में मैंने कॉमन चीज़ पाई जहाँ वो कह देते थे कि बाबा भी यही कहते थे तो मुझे एक अंदर लगता था अरे यार मतलब आ, मुझे बहुत खुशी होती थी कि एज एन एक्टर कहीं भी अगर मैं यू नो you know, अगर उस दिशा में सोच पा रहा हूँ या आ, कुछ कॉमन चीज़ें हैं कहीं से अपने आप को वैसा आ, इतना टैलेंटेड नहीं समझ रहा हूँ लेकिन हाँ अगर ज़रा सा भी उस राह पे हैं सोच आ, से या जैसे भी तो लगता है कि हाँ यार मतलब सही सही दिशा में जा रहे हैं आप, तो वो था तो हाँ इसलिए मतलब बाबिल लड़का बहुत अच्छा है बहुत अच्छी एनर्जी है बहुत होनहार है एंड वो कहते हैं ना चिप ऑफ दी ओल्ड ब्लॉक है, है और अपना भी उसका बहुत कुछ है तो हाँ मतलब मैं एक्साइटेड था कि बबिल के साथ काम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा एक्साइटेड था कि इरफान खान मेरे फेवरेट एक्टर के बेटे के साथ काम कर रहा हूँ और बबिल को बड़ा अच्छा लगता है अपने पिता के बारे में बात करना आप थोड़ा सा अटक जाएँ आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे कि जिसके पिता गुजर चुके हैं आप बात करने लगें तो वो खुद बोलता है कि नहीं नहीं आप बात कीजिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ठीक है और ये तो काफ़ी रीसेंट मतलब मैं तो एक डेढ़ साल पहले की बात कर रहा हूँ एक सवा साल पहले की तो हाँ इरफान खान आपको आगे नाम एक, एक और भी एक्टर थे तो मुझे बहुत पसंद हाँ नहीं बहुत अगेन मैजिक मैजिक रेलवे और मैं अगेन जब मैंने उलझन की और आर्या की सीजन वन तो अब अगेन बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए आर्या वन में लोगों ने काम पसंद किया तो लोग पूछते थे कि आ, कोई ना वो सब मंत्र चाहते हैं कि क्या गुरु मंत्र एक दीजिए तो एक शब्द जो मैंने सीखा था वो था सरेंडर कि अपने आप को सरेंडर कर दो जाके अब सरेंडर करना बहुत आसान है लेकिन उसके पीछे बहुत तैयारी बहुत मेहनत लगती है बहुत कॉन्फिडेंस लगता है अपने आप पर ट्रस्ट लगता है अपने आप पर मैं बहुत खुश हुआ जब काफ़ी दिनों बाद मैं के सर का कोई इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने यही चीज़ कही थी और मैंने उनसे नहीं सीखा मैंने कहीं से नहीं सीखा मैंने करते करते एक चीज़ निकाली कि क्या होता है क्या करना होता है टू रियली गो देर एंड लिव इट यू नो योर कैरेक्टर जितना हो सके सरेंडर तो उन्होंने भी यही शब्द बोला था सरेंडर सरेंडर तो मुझे लगा चलो कि Super. शायद अगेन नॉट कंपेयरिंग बट शायद कुछ सोच जो है वो तो सही सही दिशा में है क्योंकि ये लोग स्टॉल वर्ड्स हैं क्या और एक आखिरी एक्टर जो मुझे रिसेंटली काम बहुत पसंद आया प्रदीप अहलावत जयदीप अहलावत जयदीप पहलावत अगेन आई आई वी हैव कॉमन फ्रेंड्स मैं मिल चुका हूँ इतनी सरलता से वो आदमी करता है

उन्होंने कुछ घुट्टी कुछ पी ली है अब उन्हें कुछ करना नहीं है अब वो बन गए हैं वो किरदार ठीक है oh, मतलब चाहे करीना हो हाँ, या करीना हो, बत, times, हाँ, uh, ने जो रोल किया मुझे लगा कि दोनों को एक टाइम पे ओवर शेडो कर दिया नहीं थोड़ा सा इससे फर्क ये रखता हूं कि वो वो रोल भी ऑथर बैक दैट इज सेंट्रल दैट इज द बेस्ट रोल इन द फिल्म सबने अपना निभाया ने है ने पर हाँ, जैसे, जैसे एक बरेली की बर्फी आई थी जी, उसमें आयुष्मान लीड थे जी 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 हाँ राजकुमार साइड एक्टर थे बट राजकुमार का वो जो सीन था जो बीच सड़क पर गाड़ी रोक कर नहीं, करता नहीं, है या थोड़ा सा किरदार था उसने मुझे ओवर कर दिया होता है और ठीक है ऐसा ऐसा कुछ बट लोगों को पसंद आता है लेकिन इसमें आई थिंक पाताल पातालोक अगेन वही तो वो आदमी बिना कुछ किए कैसे इतना बोझ हाथी क्या नाम था उनका उसमें हाथी सिंह हाथी सिंह ऐसे भी कैसे बिना मतलब ऐसा लगता था कि वो सोए नहीं और ऐसा कुछ एक्सटर्नल नहीं मुझे सबसे अच्छी जयदीप की बात यही लगती है कि वो क्या पी जाते हैं कि कैरेक्टर समा आता है और फिर वो मुझे और... वो इरफान खान के करीब लगते है हो सकता है शायद ज्यादा हो लेकिन मुझे उस तरफ वो जाते हाँ, वो दिखते हैं नहीं बिल्कुल, बिल्कुल आ, अपनी आंखों से बिना बिना बोले संवाद पूरा कर देना बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई शक की बात नहीं है वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर Uh, True. Two very good actors. You respect both of them. Uh, but yeah, Jaydeep is very, very, very good. तो मतलब मेरी acting को देखने का मैं choice खराब नहीं थी। बिल्कुल सही। तीनों सब जो नाम लिए मैंने। आप कोई और नाम नहीं लिए मिल बिल्कुल। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। <laughs> नहीं यार, these guys are मतलब आपको सुपर्ण। हाँ। सुपर्ण। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई विश यू ऑल लक एंड सक्सेस एंड हमारा कमिटमेंट याद रहना चाहिए आपको मैं आपका सोशल मीडिया ठीक करता हूँ और आप थोड़ी सी एक्टिंग सिखाएं बिल्कुल सर आप बहुत अच्छे होंगे एम श्योर पर करेंगे पा करेंगे आप सोशल मीडिया तो मेरा ठीक कर ही दीजिए उसको तो बहुत जरूरत है ठीक होने की <laughs> हो जाएगा सर सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू